200 में इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आरटीआई और उससे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर के, लीगल इश्यूज को लेकर के हम लोग हर संडे को ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और इस संडे को भी हमारा ये रविवार को कार्यक्रम 11 अगस्त 2024 आज, और ये जो कार्यक्रम है आरटीआई की भूमिका क्या हो सकती है जब जब कोई एग्जाम्स होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इस तरह से उनमें जो करप्शन होता है उसको एक तरह से बाहर निकालने के लिए, मतलब वो करप्शन हम जैसे अक्सर हमने ये देखा है कि जैसे भी एमपीपीएससी का ही एक बहुत रिसेंट आपको एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा इसको लाइव वगैरह दे करके इसको कर रहा हूँ तो क्षमा कीजिएगा, ये थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है। तो इस तरह के जो इशूज रहते हैं उनमें आरटीआई की क्या भूमिका हो सकती है, जैसे व्यापम वगैरह के भी घोटाले हुए आपने देखा और उस पे विभिन्न प्रकार की जांचें चल रही हैं, कई सारी जांचें दबा दी गई, और ये सारे जो इश्यूज रहते हैं इनमें आरटीआई का कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है, आरटीआई से हम क्या क्या जानकारियां इन भ्रष्टाचार करप्शन से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं, और फिर उस आरटीआई से प्राप्त जानकारी का किस प्रकार हम उपयोग करके आगे लीगल प्रोसीडिंग या शिकायत या जांच कैसे करवा सकते हैं, और कैसे इस तरह से जो करप्शन है ये रुकें, इन सारे विषयों को लेकर के हमारा आज का ये कार्यक्रम है। और कार्यक्रम में हमारे बीच में आज माननीय श्री राहुल सिंह जी, जो पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, तो वो हमारे बीच में जुड़ेंगे, और श्री शैलेश गांधी जी जो केंद्रीय सूचना आयुक्त, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं, वो हमारे बीच में समय देंगे। उम्मीद करते हैं यदि उनका कोई ज़्यादा बिजी शेड्यूल नहीं रहा तो, और माननीय आत्मदीप जी, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, वो हमारे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देंगे, और श्री वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब जो हमारे बीच में उत्तराखंड के आरटीआई रिसोर्स पर्सन हैं और कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में आकाश पाठक जी इस बार एक नए हमारे बीच में गेस्ट हैं, और आकाश पाठक जी के बारे में जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जो एमपी में आप लोग और हर तरह से जो आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो तैयारियां कर रहे हैं, वो स्टूडेंट खास तौर से वो जानते हैं कि आकाश पाठक जी एक एमपीपीएससी के जो कोच हैं और साथ में आरटीआई वर्कर हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो वो भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, तो हम उनका स्वागत करें। माननीय राहुल सिंह सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, सर स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत है। और आज का जो कार्यक्रम है, जिस प्रकार से नियुक्तियों से संबंधित ये रहते हैं जो घोटाले होते हैं, जिस तरह से व्यापम और यूपीएससी और इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो ये समय समय पर आते रहते हैं हर तरह के एग्जाम में, पेपर लीकेज और लीक होना और ये सारी चीजें, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हमारा ये कार्यक्रम है। आरटीआई की क्या भूमिका है इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार है उनको बाहर निकालने में, और आगे क्या कुछ किया जा सकता है, उसी विषय पर कार्यक्रम है। तो सबसे पहले हम माननीय राहुल सिंह सर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे कि वो इस टॉपिक पर अपने विचार रखें। सर स्वागत है। सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। नमस्कार शिवानंद जी। सर नमस्कार आकाश जी भी जुड़ गए हैं। जी। अरे वाह। तो कल मेरे पास एक फोन आया था शिवानंद जी, और एक महिला थी, ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने कॉल किया था, और उन्होंने इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। व्यापम से लिस्ट निकली और उसके बाद कि जो प्रक्रिया थी उसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं थी, जैसा उनके बात करने से ये स्पष्ट हो रहा था। उनकी समस्या ये थी कि उनके साथ के जितने लोग थे, जिन लोगों ने वहां पर अपियर हुए थे, सिलेक्ट हुए थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे, उन सबकी नियुक्ति दे दी गई एक्सेप्ट उनकी। और उस बारे में जब उन्होंने आरटीआई लगाई, उन्होंने आरटीआई दो जगह लगाई, एक तो व्यापम में भी लगाई, दूसरी उन्होंने नगर निगम में भी लगाई।
तो नगर निगम ने भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, व्यापम ने भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और नगर निगम ने तो उनको ये कह करके मना कर दिया, भोपाल नगर निगम ने इन्फॉर्मेशन देने से, कि ये थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन है। सेक्शन 81J का वॉल्यूशन बताते हुए उन्होंने कहा कि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती, जबकि वो खुद मतलब खुद की इन्फॉर्मेशन मांग रही थी, खुद से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से मतलब ये तो अभी कल का मामला है, कल जो मुझे बताया गया, तो ये जो है ये कोई एक उदाहरण मात्र है, लेकिन पूरे प्रदेश में इस तरह से नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, चाहे हम पटवारी घोटाला देखते हैं, तो पटवारी घोटाले में देखिए रिपोर्ट आ गई है, उसमें जो एग्जाम हुआ था उसमें जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की कॉपी जो है वो आरटीआई में नहीं दे रहे। जब आप रिपोर्ट जब की है तो डेफिनेटली जब उसमें जो भी तथ्य हैं वो तो लोगों को जानने का हक है, भाई आपने उसमें ऐसी रिपोर्ट में जिसमें आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ, तो उसको एक्सेस करने का तो पूरी तरह से हक है, लेकिन देखते यही है कि इसमें लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। और एमपीपीएससी वहां भी यही हाल है, लगातार सूचना आयोग कई निर्णय देता रहा है एमपीपीएससी को डिस्क्लोजर करने के लिए इन्फॉर्मेशन, एमपीपीएससी हर बार जब भी ये इस तरह के वाक्य आए सामने जहां हमने इनको ऑर्डर किया है, पेनलाइज भी किया है, तो उसमें वो हर बार कोर्ट से स्टे लेकर के बैठ जाते हैं, और कोर्ट की प्रक्रिया तो आपको मालूम है कि लंबी प्रक्रिया है। बट कुल मिलाकर के एक जो एक परिपाटी सा एक सिस्टम बन गया है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी और नियुक्ति में जो व्यवस्थाएं होंगी, जैसे कल ही मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी, जीएडी के अधिकारी हैं सामान्य प्रशासन विभाग में यहाँ पर, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऑलरेडी मान लीजिए कि एक सेटल लॉ है, अगर नियुक्ति प्रक्रिया में जैसे कोई अगर किसी को प्रमोशन चाहिए या कुछ इसकी जो विसंगतियां होती है उसमें, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने किसी एक अधिकारी को दे दिया कि भाई ठीक है आप पात्रता रखते हैं, तो मैंने कहा कि उस आधार पे तो फिर बाकी जो अधिकारी है जिनकी सिमिलर बिल्कुल सिमिलर नेचर का प्रॉब्लम है, उनके बैच से रिलेटेड, उनके इससे रिलेटेड, तो उसमें तो भाई उसको लॉ ऑफ पैरिटी के अनुसार उनको उनका जो निराकरण है प्रकरण का वो तो सामान्य प्रशासन विभाग या वो उनके विभाग के स्तर पर ही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, शासन ने एक अपना एक सिस्टम बना के रखा है कि भाई आप जाइए कोर्ट, कोर्ट से आप ऑर्डर लेकर के आ जाइए, तो हर व्यक्ति को फिर जिसको भी उस अपने समस्या का निराकरण चाहिए उसको कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ती है, कोर्ट से वो फिर ऑर्डर लेकर आता है कि भाई फला फला केस में ये डिसीजन लिया गया था, उसी आधार पे पैरिटी केस पर सिद्धांत पर इनको भी दिया जाए। तो अब लेकिन यही है कि जो काम एक सरल सुलभ तरीके से किया जा सकता है उसको भी उन्होंने उलझा के रखा हुआ है। लेकिन आज चूंकि हमारे साथ आकाश जी हैं और वो उन्होंने बहुत लंबे समय इसमें काम किया है, तो हम लोग पहले एक बार उनको सुन लेते हैं कि किस तरह से क्या समस्याएं शिवरंजन जी उन्होंने देखी है और किस तरह से निराकरण के लिए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। बिल्कुल सर, आकाश जी स्वागत है आपका। अपने आप को अनम्यूट कर लें और आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपने विचार रखें। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने का। सर ने दो विषय पर, महत्वपूर्ण विषयों पर बात की यहाँ पे, कि जो परीक्षा के संबंध में जो नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला आ रहा है, इन विषय को लेकर दो परीक्षाएं मध्य प्रदेश में जो एजेंसियां कराती हैं, सबसे पहले एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एमपीपीएससी और दूसरा जो कर्मचारी चयन आयोग है। सबसे पहले हम एमपीपीएससी की ही बात करते हैं। अभी सर ने एक उदाहरण देते हुए अभी बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार का एक नियम सा बन गया है कि कोर्ट में अगर किसी एक बच्चे को रिलीफ मिलती है तो सेम नेचर का होने के बावजूद भी अन्य व्यक्तियों को उस आधार पे कोई नियुक्ति या कोई मामला होता है किसी भी विषय के संबंध में हो, वो रिलीफ नहीं मिलती है। सरकार कहती है कि आप अपना अलग से ऑर्डर लेके आइए। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है कि एक बेरोजगार छात्र जो होते हैं उनको किसी भी समस्या में यदि समान ऑर्डर आ गया है कोर्ट से तो उनको भी अपना अलग से एक ऑर्डर लेके आना पड़ता है। ये तो पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या ये हो गई कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न मामलों को लेकर जानकारी मांगी गई,
मैंने अपने टाइम पीरियड पे अभी जो चल रहा है इस पे भी हमने उनसे वर्ष 2019 की परीक्षा से लेकर और कई चीजों से लेकर हमने जानकारी मांगी। जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि वर्ष 2019 की एमपीपीएससी परीक्षा आयोजित की जाती है, जो कि 14 नवंबर 2019 को उसका नोटिफिकेशन आता है, और परीक्षा जनवरी 2020 में आयोजित की गई। बीच में कमलनाथ सरकार आई और उनकी सरकार ने सिविल सर्विस नियम बदल दिए और वो नए सिविल सर्विस नियम लागू कर दिए। हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट में मामला लगा रहा लगभग में, और उसी बीच में एमपीपीएससी के द्वारा मेंस परीक्षा आयोजित करवा दी गई। बाद में कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि सबकी फिर से मुख्य परीक्षा कराओ। फिर वो कोर्ट का मैटर चलता रहा। एमपीपीएससी ने इस बीच में परीक्षा में कई ऐसी चीजें लागू की जो नियम के अनुसार नहीं थी, जैसे नॉर्मलाइजेशन उन्होंने लागू कर दिया। हमने आरटीआई के माध्यम से उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि आपने किस प्रकार से आरटीआई का कौन सा सॉरी नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला आपने इसमें लागू किया। आप हमें संपूर्ण जानकारी जो आपने सिविल सर्विस में लागू की है उसकी जानकारी दीजिए। ये कहते हुए एमपीपीएससी ने आवेदन खारिज कर दिया कि इसमें प्रश्न का तरीका अलग है, परीक्षा प्रक्रिया नहीं हो पाई है, इस वजह से हम नहीं दे सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाई जाती थी कि आपकी जो है परीक्षा कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं कि आपको नंबर सही से दिए, आपके नंबर काउंट किए कि नहीं किए, कहीं क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिए। पिछले 5 वर्ष से, वर्ष 2019 से लेके 21 तक के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कॉपियां नहीं दिखाई जाती हैं। विभिन्न आरटीआई हमने लगाई, कई मित्रों ने लगाई, उसके जवाब में भी उनका कहना ये होता है कि अभी हम कॉपियां नहीं दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि एक तरफ भारत सरकार के द्वारा जब ये 2005 में कानून बनाया गया तो इसका उद्देश्य था कि नागरिकों को कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर दुर्भाग्य का विषय है कि संबंधित अफसर जो बैठे हुए हैं, जो विभागों में बैठे हुए लोग हैं, ये इतने ढीठ हो चुके हैं, उनकी आदत में आ चुका है कि उनको कोई काम नहीं करना है तो नहीं करना है। वो बेखौफ हैं, वो उनको ऊपर से कोई डर नहीं है किसी भी प्रकार का। कोई भी जानकारी मांगो आप उनसे, जैसे यदि करप्शन शब्द का, चूंकि इसमें आज के हमारे विषय में उल्लेख किया गया है कि करप्शन जो है किस तरीके से हो रहा है अपॉइंटमेंट में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के लोग डिप्टी कलेक्टर बन के बैठे हुए हैं। एक उदाहरण से समझाता हूँ, अभी दैनिक भास्कर ने उस स्टोरी को कवरेज किया हुआ था, मैं उनका नाम अभी यहाँ लेना उचित नहीं समझता हूँ, पर एक दो भाई थे और वो 2018 तक सही थे, सामान्य कैटेगरी के थे वो, और उनका सामान्य कैटेगरी से ही उनका सिलेक्शन होता था। अभी 2018 में उन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा दिया कि सुनाई नहीं देता है, और डिप्टी कलेक्टर का के पद पर चयन हो गया एक व्यक्ति का, एक का एटीओ के पद पर चयन हो गया। जब उसकी कवरेज पूरी की गई तो उन्होंने बताया कि 18 तक सुनाई देता था और 18 के बाद सुनाई देना बंद हो गया। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, बढ़िया वहां पे ट्रेनिंग में डांस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा जो है 80% है, हमारा दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी में जो स्कैम सामने निकल के आया, पूजा खेड़कर का विवाद हो या पूजा खेड़कर के साथ अन्य कई लोगों की जो अब दस्तावेज निकल के आ रहे हैं जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है कि दिव्यांग लोग, एक तरफ भारत सरकार या राज्य सरकार की बात करें, दिव्यांगों के सशक्तिकरण की बात करती है, पर दुर्भाग्य का बात है कि जो दिव्यांगों को जो आरक्षण मिला हुआ है उनका अधिकार ऐसे व्यक्ति ले रहे हैं जो सक्षम है और वो उनका स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इसको रोकना बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। पटवारी का सर ने उल्लेख किया, ऐसे ऐसे लोगों का चयन हुआ मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा में जिनको मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो दिल्ली बताई जा रही है, जिनके अनुसार नर्मदा नदी जो है वो भोपाल से निकलती है, ऐसे लोग टॉप 10 रैंक में आते हैं और मध्य प्रदेश सरकार हरी झंडी देती है कि बिल्कुल इनकी नियुक्ति पत्र बांटे जाएं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भव्य समारोह आयोजित करके उनको प्रमाण पत्र दिए, लेकिन जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट बनवाई गई थी, इसकी जांच करवाई गई थी, वो रिपोर्ट आज दिनांक तक जो है सार्वजनिक नहीं आई हुई है। आरटीआई के माध्यम से भी सर ने बताया हुआ है कि आरटीआई के माध्यम से भी वो रिपोर्ट को नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, आकाश जी एक चीज चिंतनीय बताइए, विषय है।
जी सर, आकाश जी एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जैसे नीट का घोटाला हुआ, इतना बड़ा जी विवाद बना और उसमें फिर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फिर पहल की, और लोग उस पर रिएक्ट भी कर रहे थे, तमाम चीजें हुई। मध्य प्रदेश में इस तरह का जो पटवारी घोटाला, मतलब ग्लैरिंग सबको दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि ये घोटाला हुआ है नियुक्ति में, इस तरह के लोग हैं जिनको मतलब जो जैसा आपने बताया कि बेसिक चीजें जी नहीं मालूम है राजधानी नहीं कि मालूम। जी, राजधानी भोपाल है कि दिल्ली है, मध्य प्रदेश जी की, सबको पता था, मतलब इसके बारे में अखबार में भी छपा, उसके इंटरव्यू हम लोगों ने देखे हैं, यूट्यूब पे देखे हैं, ये सब जानते जी हुए भी, और उसमें तमाम जो यहाँ के राजनीतिक संगठन है उन्होंने भी थोड़ी बहुत आवाज उठाई, लेकिन जो जी मुद्दा जो जिस लेवल पर इसको एड्रेस होना चाहिए था उसमें कुछ जी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों जी होता है कि एमपी में जो ये घोटाले होते हैं, एमपी में जो ये नियुक्ति प्रक्रिया में इतनी धांधलियां होती हैं, वो उसमें मतलब उससे क्या होता है कि अगर कोई इस तरह का रिएक्शन अगर ऐसा ही रहेगा, और तो ये जो ऑफिसर्स जो ये कमिट करते हैं फ्रॉड, ये और ज्यादा जी निडर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप इसमें संघर्ष भी करते रहे, तो मध्य प्रदेश में ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है? उसके सर कई आयाम हैं, जैसे कि आपने अभी बताया कि कई राजनीतिक लोगों ने भी आवाज को उठाया। इनके आवाज उठाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे आप अगर उदाहरण लेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लोअर परीक्षा आरओ एआरओ परीक्षा आयोजित की गई थी, वो परीक्षा का पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। वहां के राजनीतिक दलों ने जिस लेवल पर विरोध किया, सरकार को घेरा, तो सरकार जो है बैकफुट पर आई और सरकार ने तत्काल प्रभाव से परीक्षा को निरस्त किया। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में राजनीतिक यदि व्यक्तियों की बात करें, यदि हम विपक्ष की बात करें, उनने उस चीज को इतने अच्छे से नहीं उठाया। यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी जी ने जब यूपी में यात्राएं की तो उन्होंने यूपी पुलिस परीक्षा हो, आरओ एआरओ परीक्षा हो, या अग्निवीर परीक्षा की जो इन्होंने स्कीम लाई है उसकी बात हो, बड़े प्रमुखता से उठाया है। तो उसका एक गहरा प्रभाव पड़ा, वो एक राष्ट्रीय इश्यू बना। लेकिन मध्य प्रदेश की बात आती है तो वो कुछ दिन खबरों में चला, उसके बाद कुछ दिन तक नेताओं ने ट्वीट किए, उसके बाद वो शांत बैठ गए। कारण वह है कि भाई राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे को बचाव करना उनकी प्रमुखता रहती है और ऐसे में आम व्यक्ति मारा जाता है। और यहाँ पे यही हुआ कि जो सक्षम व्यक्ति थे, जो अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, जो किसान गरीबों के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रहा। उनके स्थान पर किसको मिला? जिसने 10 लाख रुपए जमा किए हैं, जिसने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया है, ऐसे लोगों को नियुक्ति दी है। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं। अगर सरकार गंभीर होती और पारदर्शिता का परिचय देती तो सरकार कम से कम इतना तो कर सकती थी कि आपने हरी झंडी दे दी है उस चीज को, तो आप जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखें ताकि हम भी देख सके कि उन्होंने किन किन पहलुओं पर उसमें चर्चा की है और किन किन पहलुओं को देखते हुए जांच की है। यदि हमें उसमें हम असंतुष्ट होते तो हम माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाते, माननीय हाई कोर्ट में जाते या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते। पर वर्तमान में हम किस आधार पर कोर्ट में जाएं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कि क्या जांच की इन्होंने, किन लोगों से चर्चा की इन्होंने। उस सेंटर पे जहाँ पे जांच का सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है ग्वालियर में, जो कि एक पूर्व विधायक का था जो भारतीय जनता पार्टी की बाद में सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, स्वाभाविक वो तो नाम सभी के सामने था। भिंड जिले से है संजीव सिंह कुशवाहा जी, उनके कॉलेज से नाम जुड़ा हुआ था और उनके नाम आने के बाद में, और ये देखा जाता है कि उनको हरी झंडी दी जाती है कॉलेज को भी, आज तक उस कॉलेज को भी बंद नहीं किया गया है। लगातार वही एजेंसियां जो परीक्षा कराती हैं, वही एजेंसियां आगे भी परीक्षा करा रही हैं, इसी तरीके से पेपर लीक होते जा रहे हैं। हम इस देश में जहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ वर्षों के बाद यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हम दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे। यहाँ चुनाव होता है जहाँ 60 से 70 करोड़ जनसंख्या वोट करती है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हम इतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों की परीक्षा एकदम शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ आयोजित करा सके। हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम मंगल पर जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, पर हमारा कहने का मतलब इतना है कि हम सभी जगह जाएं, साइंस में भी जाना आगे जरूरी है, लेकिन हम जिस जगह रह रहे हैं वहां की व्यवस्थाओं को तो हम अच्छा करें।
बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जो बच्चा ईमानदारी से जिसने अच्छे नंबर लाए थे, और उस बच्चे की जगह जब दूसरा बच्चा 10 लाख रुपए दे के, एक 50 नंबर लाने वाला बच्चा 10 लाख रुपए जमा करता है और एक 70 नंबर 75 नंबर लाके उसको नियुक्ति नौकरी नहीं मिलती है, सोचिए वो किस मानसिक अवसाद से गुजर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाइए, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में आप देखोगे कि जो सुसाइड के केसेस हैं वो सबसे ज्यादा जो है किसानों के बाद युवा कर रहे हैं इस समय पे, और मध्य प्रदेश राज्य टॉप 3 में शामिल है उसमें। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको किस स्थिति से गुजारा जा रहा है। 2012 का व्यापम घोटाला सर आपके सामने रहा है, सारी चीजें हैं। ये व्यापम 2 सबसे बड़ा घोटाला पटवारी में हुआ है, लेकिन आज हरी झंडी दे दी गई, कोई कुछ भी नहीं कहने को तैयार है। इसमें आकाश जी, ये जो घोटाले जो हो रहे हैं, एक तो हम ये जी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो एक तो एग्जाम लेवल पर किस तरह के घोटाले जो हैं होते हैं, उसका पैटर्न क्या है, क्या क्या सामने आया है अभी तक, किस तरह के वो होते हैं। दूसरा, नियुक्ति के लेवल पर जब ये बात आती है उसमें किस तरह के घोटाले होते हैं, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है एक तो वो, और दूसरा नियुक्ति केस में, तो उसमें किस तरह के क्या क्या चीजें जो हैं, जो खास बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। इवन आरटीआई भी लगाएं तो आप उस चीज को एक्सेस करें, उस पॉइंट को एक्सेस करें, ये बताइएगा। देखिए सर, जैसे आपने बोला कि घोटाले के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस किस तरीके से घोटाले किए जा सकते हैं। हम अभी जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसका जो पेपर होता है वो बंद पैकेट में आता है। मैं इसलिए बताना उचित समझ रहा हूँ कि अभी नीट जो स्कैम हुआ था वो भी कुछ ऐसे हुआ था, पेपर कैसे लीक हुआ। तो एमपीपीएससी का पेपर जो होता है वो एक पैकेट में बंद होता है, लगभग 20 या 24 सेट उसमें होते हैं, और वो सेट जो होते हैं वो इंडिविजुअल सेट भी पैकिंग होते हैं पन्नी में। वो पूरा का पूरा जो है वहां से सेंटर पे आते हैं, सेंटर पे जब वो बड़ा पैकेट खोला जाता है तो 2 बच्चों को बुलाया जाता है कि आपके सामने खोला जा रहा है कि पैकेट पहले से खोला नहीं था, और फिर बच्चों को एक एक पेपर बांट दिया जाता है, और फिर इंडिविजुअल बच्चे जो है टाइम आने पर उसको खोलते हैं। लेकिन वर्ष 2024 की यदि हम परीक्षा की बात करें, ऐसे मेरे पास में सैकड़ों मैसेज आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और कि जो इस बार पेपर मिला है बच्चों को उसमें लगभग में 50% से ज्यादा ऐसे सेंटर थे जहां बच्चों के सामने पैकेट नहीं खोले गए। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि जो बच्चों को पैकेट मिले हैं, जो इंडिविजुअल पैकिंग रहती थी वो भी खुली हुई पन्नियां मिली हैं बच्चों को। तो ग्वालियर में भी ऐसा केस हुआ, ग्वालियर में वीडियो निकल के आया सामने, सारी चीजें आई हैं। वो वीडियो आने के बाद में भी कहीं कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई, ना कोई वो मुद्दा ज्यादा चला। हमने सोशल मीडिया पर डाला था उसको, सब जगह शेयर किया हुआ था। उसके बाद कई बच्चों ने मैसेज करे कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, हमें खुली हुई पन्नी मिली। तो भ्रष्टाचार का एक तरीका यहाँ से भी हो सकता है कि आप पेपर आए, आपके वहां पे हॉल में रखे हुए हैं और वो पहले ही खुल गए। यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में नीट स्कैम पे वो सुनवाई हुई तो उसपे माननीय चीफ जस्टिस साहब डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी एक एक मिनट की उसपे की कि पेपर कितने बजे निकला था, कितने बजे सेंटर पे पहुंचा, कितने मिनट का समय हुआ, इस बीच में कैसे कैसे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात यह आती है कि जब पेपर सेंटर पे आ जाते हैं तो जो नियम है, नियम के अनुसार क्लास में ही वो पेपर खोलना चाहिए बड़ा पैकेट, तो वो इस प्रकार की लापरवाही क्यों की गई। प्लस ये केवल कागजों में एडमिट कार्ड पर और बाहर सूचना के लिए होता है कि प्रत्येक सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप जब परीक्षा स्थल देखेंगे, सेंटर देखेंगे, तो मध्य प्रदेश में यदि लोक सेवा आयोग की परीक्षा की बात करें या अन्य परीक्षा की बात करें, 60 से 70% ऐसे सेंटर होते हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे ही नहीं होते हैं। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, उसमें भी जो लगे होते हैं 40% 50%, उसमें 20% सीसीटीवी कैमरा ऑफ रहते हैं, बंद पड़े, कहीं खराब पड़े हैं, कहीं कुछ पड़े हुए हैं। अब आप बताइए कि पारदर्शिता कहाँ से आएगी। इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो पेपर कहीं से भी कुछ भी नहीं तो ये मैनेज किया जा सकता है। सीसीटीवी एज पर रूल है क्या, रहना जरूरी है? नहीं, एक्चुअली में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं देश में पेपर लीक के मामले, अभी जैसे पार्लियामेंट में चर्चा हुई उसमें बताया गया कि पिछले जो है 10 साल के अंदर देश भर में 70 पेपर के लीक हुए हैं।
अब यदि किसी सेंटर पर, क्योंकि ये प्राइवेट सेंटर भी बनाए जाते हैं, प्राइवेट सेंटर बनाए जाते हैं, हम जहाँ पे सेंटर बनता है, यदि वहां पे सीसीटीवी कैमरे नहीं, तो सेंटर को केनरा बैंक का भेजा गया वहां पे, ये रहता है कि कम से कम यदि परीक्षा है तो समय सीसीटीवी के माध्यम अवतार जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, से। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है शायद। ऑडिबल हूँ? हाँ, अभी ऑडिबल है। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया लगता है। आप एक बार वीडियो बंद करके आप जरा बोलेंगे शायद। नहीं, आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। आप वीडियो को बंद कर दीजिए एक बार और बोलिएगा तो शायद हम लोग सुन पाए आपको। वो जो स्टॉप वीडियो बटन है ना नीचे, जी अब देखिएगा नीचे स्टॉप जी वीडियो का बटन है। हाँ, अब बोलिएगा जरा। तो जो नीट एग्जाम चीजें लेकर नहीं, आकाश आए आकाश आकाश जी को अपना हैं, लोकेशन लोकेशन आकाश जी आपको बदलना पड़ेगा। आप वहां पे आ जाइए जहाँ नेटवर्क क्षेत्र है। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप अपनी गाड़ी वहां खड़ा करिए जहाँ टावर वगैरह का मिल रहा हुआ है जी नेटवर्क। मैं चेंज करता हूँ मैं लोकेशन, तब तक किसी विषय पे सर चर्चा कीजिए, मैं आके ज्वाइन करता हूँ इस चीज को अच्छा, ये अभी। नहीं, अब तो आवाज आ रही है आपकी, जी आवाज आ रही है मतलब। तो यहाँ बताइए। जी 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 तो कुल मिला के है कि सीसीटीवी कैमरे को तो होना अच्छा, चाहिए। नहीं, ठीक है। आप लोकेशन को, आप मुझे लगता है आप देख लीजिए तब तक। हम लोग इस पे जब तक चर्चा करते हैं आप, क्योंकि वो आवाज आपकी वापस फ्रीज हो रही थी। हाँ शिवानंद जी, शिवानंद जी हाँ सर जी, जी हाँ तो कार्यक्रम इस तो आगे जो भी है, अब हमारे बीच में लगता है कि अभी चले, लोग जुड़े हैं। हाँ बीरेन ठक्कर साहब हैं, इस विषय पर अपने विचार रखना चाहिए। बीरेन ठक्कर हाँ सुन पा रहे हैं? मैं ट्रैवल में हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही आ रही। है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स है जो 81D, 81E और 81J के मामले में है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति में पारदर्शिता इंश्योर करने में असफल रहा है, क्योंकि इसमें जितने घोटाले हो रहे हैं, पहली बात, कई बार घोटाले क्वेश्चन पेपर से नहीं होते बल्कि आंसर पुस्तिका लीक कर दी जाती है। सॉल्वर्स गैंग वगैरह तो होते ही है, लेकिन आंसर पुस्तिका और पेपर सेटर है, इनको पहले ही पैसा मिल जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंटरव्यू लेवल पर ही होता है, इंटरव्यू कॉल लेटर भी बेचा जाता है। दो अलग अलग रेट होते हैं, जैसे आप एलिजिबल है तो 25,000, इन एलिजिबल है तो 50,000, इस तरह से इंटरव्यू कॉल लेटर बेचे जाते हैं। सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं, सिलेक्शन का पैसा अलग से लगेगा। दूसरा, फिर जब सिलेक्शन होता है तो उसमें जो सिलेक्शन कमेटी में जो लोग होते हैं इनको पहले से ही सेट कर दिया जाता है, और कई बार मुख्यमंत्री मुख्य सचिव लेवल तक के भी अधिकारी शामिल रहते हैं, पहले से ही पूरा तय होता है। कोई इसमें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन बीच में ये गलती से ईमानदार आ गया है तो उसको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हटा दिया जाता है, कि उस नियुक्ति पैनल पे वो ना रहे, ताकि जिस तरह से नियुक्ति करनी है उस तरह से हो सके।
उसके बाद फिर जो आंसर पुस्तिका वगैरह होती है ये देने में कई बार जो अलग अलग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, जैसे केरला पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी वर्सेस अंकेश कुमार है, सैयद हुसैन अब्बास रिजवी वर्सेस बिहार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इस तरह के चार पांच ये हुए हैं। और इसमें जो 81G के नाम पे जो सिलेक्शन अधिकारी है या पैनल है, इंटरव्यू बोर्ड है, उनके नाम उत्तर रखे जाते हैं, जबकि जो इसमें एक बार जब नियुक्ति हो गई तो उसके बाद फिर नाम पब्लिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि किसने कितने मार्क्स दिए। यूपीएससी वगैरह एग्जाम जहाँ पर होती है तो वहाँ पर एक एक जो पैनलिस्ट है या इंटरव्यूअर है उसका बहुत लिमिटेड पावर होता है, तो वो पहले से तय नहीं कर सकते कि हमको 10 में से कितने मार्क्स देने हैं, मतलब किसको सिलेक्ट करना है वो नहीं तय कर सकते। वो केवल अपना निर्णय ले सकता है कि मुझे 10 में से कितने मार्क्स देने हैं। अब जैसे 10 लोग इंटरव्यू पैनल पर है तो फिर 100 में से ग्रैंड टोटल होता है, जो उसमें से किसी को पता नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पहले से ही तय हो जाता है कि किसको सिलेक्ट करना है या किसके पैसे आ चुके हैं, तो फिर स्क्रीनिंग लेवल पर भी घोटाले होते हैं। स्क्रीनिंग लेवल पर घोटाले जो होते हैं वो हाईकोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं, तो स्क्रीनिंग लेवल पर जनरली मुश्किल होता है। लेकिन जो सिलेक्शन कमिटी है, चूंकि हाईकोर्ट का निर्णय है कि वी कांट एंटर इन टू द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, क्योंकि क्या प्रश्न पूछे गए थे, क्या उत्तर दिए गए, वी आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल से एक्सपर्ट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी हेल्पलेस है और ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन के नाम पर भी कई बार कई ये चीजें दी जाती है, जबकि पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी अपने आप को ऑफर कर रहा है तो कैंडिडेट जो होता है वो केवल अपनी जो प्रेसी है, एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी या फिर कितने मार्क्स स्कोर किए गए या जो स्कोर शीट्स है उसमें इंटरेस्टेड रहता है। हमारी कॉलेज के तो खैर जितने भी घोटाले हैं, परचेस हो या रिक्रूटमेंट के, सब मैंने ही ब्रेक किए हुए हैं। एक मामले में एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी मुख्यमंत्री ने सेट किया, अभी हो सकता है वो मैटर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को हैंड ओवर हो जाए। तो इस तरह के यहाँ पर जो कई अधिकारी फंसे हैं आरटीआई में सूचना दे देने की वजह से, और इसी वजह से 2-3-4 बार मुझे पीआईओ बनाया गया, हटाया गया। इसमें के भी कारण नियुक्ति घोटाला ही है, क्योंकि जो घोटाला करते हैं वो नहीं चाहते कि आरटीआई में सूचना पब्लिक हो जाए, और जब सूचना पब्लिक हो जाती है तो फिर लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं, और मेरी वजह से 45 ऐसे केसेस भी हाईकोर्ट में इंस्टीट्यूट हो गए थे आरटीआई में सूचना देकर घोटाला उजागर हो जाने की वजह से। क्योंकि तो जिस अप्लीकेंट को सूचना मिल जाती है तो बाद में वो पता चल जाता है कि घोटाला हुआ है, वो सीधे हाईकोर्ट चला जाता है, और इस तरह से जो पारदर्शिता में आरटीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, मेरा ये मानना है कि ये व्यापम घोटाला जैसे हुआ था मध्य प्रदेश में, ये आरटीआई के जो जजमेंट्स है वो उतने इफेक्टिव नहीं है, कि वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन के नाम पे या पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पर कई बार जो देने से मना कर दिया जाता है, या फिर जो पैनलिस्ट या इंटरव्यू मेंबर के जो बोर्ड है उनके नाम नहीं बताए जाते, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और इसलिए नियुक्ति नियुक्ति का तो खैर खुद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ही रिकॉर्ड, हमारे यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम जो चल रहा है तो उसमें उतना ट्रांसपेरेंसी का नहीं रहा है। एनजीएसी के मामले में जरूर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि उन्होंने कहा कि जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनेगा तो उसके प्रोसीडिंग्स बता दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब इसमें कई बार कोलेजियम के भी रिकमेंडेशन मांगे जाते हैं तो जो निर्णय है वो तो सुप्रीम कोर्ट वॉलंटरीली पब्लिश कर लेता है, इस हद तक ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन जब कोई नियुक्ति नहीं होती है तो क्यों नहीं हो रही या क्या ऑब्जेक्शन है, ये चीजें नहीं बताई जाती है, जबकि जो कैंडिडेट है उसको ये पता चलना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। हाई कोर्ट के जज वगैरह है तो उनको पता चलना चाहिए आईबी की रिपोर्ट क्या है या फिर किस कारण से मना किया गया। तो इस लेवल तक ये मतलब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। उत्तराखंड में एक ऐसा भी केस हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज ने आरटीआई लगाई, डीजे ने आरटीआई लगाई कि हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की गई, और उससे संबंधित सूचना डिस्ट्रिक्ट जज को लगानी पड़ी। एक बार एक कलेक्टर जो आई मीन डीएम हमारे यहाँ, डीएम ने भी एक बार आरटीआई लगाई। तो इस तरह से बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को भी आरटीआई का सहारा कई बार लेना पड़ता है, और इसमें जो इस तरह की प्रॉब्लम जो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये मतलब मेरा ये मानना है कि ये एक सरकारी नौकरी में लोअर से लेकर तो इवन सुप्रीम कोर्ट जज तक, ये पूरा पूरे इंडिया में ये पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है। और इसमें आरटीआई जो है कुछ ऐसे ऐसे केस लॉ आ गए हैं कि उसकी वजह से उतना इफेक्टिव नहीं है,
पर इसलिए सरकारी नौकरी में जो वही आ सकता है जो भ्रष्ट है। यदि आप भ्रष्ट है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, दैट इज श्योर। इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजिंग करप्शन, कि करप्शन को एक संस्थागत एक सपोर्ट मिल गया है, और फिर जो भ्रष्टाचार में रिश्वत दे के आता है उसका एक गोल बन जाता है, चूंकि पैसे देकर आया है तो उसको पैसे वसूल करने हैं, क्योंकि वो देकर आया है तो उसका फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करे, और उसके बाद फिर अपने जो उच्च अधिकारी है उनको खुश रखे। तो इस तरह से बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, और इसके लिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉ है उस पर भी कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठानी चाहिए, ताकि पुराने जो निर्णय है वो ओवर रूल किए जा सके। धन्यवाद। जी राहुल सर, जी देख, सर वो सीसीटीवी का गाइडलाइन है क्या वीरेंद्र सर? वो प्रश्न रह गया था। हाँ, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वगैरह भी किया जाता है एग्जाम का वगैरह, और मैंने दिए भी है ऐसे आरटीआई में, तो सीसीटीवी के गाइडलाइंस तो नहीं, बट उसमें मतलब दिए जा नहीं, सकते हैं, कई सीसीटीवी जगह ये उसमें कई कारण हो सकते जानना हैं। चाहते हैं कि एक सीसीटीवी क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं बार उसमें सीसीटीवी अंडर कैमरा ये एग्जाम सेंटर रहेंगे, जो प्रोसेस होता है उसके लिए कोई रूल डिफाइन है क्या? नहीं सर, इसके रूल्स तो नहीं है, लेकिन बस केस लॉ है, और केस लॉ भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, और ज्यादातर हाई कोर्ट लेवल और सूचना आयोग लेवल तक ही है, और जो विभिन्न कारण बताए गए हैं उसमें 8(1) के जो क्लॉजेस यूज किए गए उसमें ADE, GH और J, इसमें कभी कभी दी जाती है कभी नहीं दी जाती है, तो ये इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत सारे 10-12 निर्णय है। धन्यवाद सर। नहीं, आपने एक चीज बहुत साफ की है इसमें कि ठक्कर साहब, जो आपका कहना था कि जो सिस्टम इन्होंने बनाया, जैसे पहले तो इनिशियली नियुक्ति की प्रक्रिया जो होती है वो पारदर्शी नहीं रखी है, और इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पारदर्शी नहीं रखा है, तो उसमें जो सिस्टम डेवलप हो गया है अभी, क्योंकि उसका काम है कि हर इंफॉर्मेशन को हर स्तर पर रोकना, तो अभी ये हो गया है कि ये जो इस सिस्टम का खामियाजा जो है वो अधिकारी आगे आने खुद उसका शिकार हो रहे हैं। जी सर, और पब्लिक सर्विस कमीशन के मैं बताता हूँ, आई थिंक मुझे तो ज्यादा केस पता नहीं, लेकिन 2-3 पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन मेंबर है वो भी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर चुके हैं पिछले कुछ 20-30 सालों में, ये हमको पता ही है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का काम ही चूंकि नौकरी देना होता है, संविधान में भी देखिए कि कितने प्रोटेक्शन रखे हुए हैं, क्योंकि जो मेंबर होता है वो चेयरमैन बन सकता है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है वो यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बन सकता है, लेकिन जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसको रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका काम ही नौकरी देना है। तो जिस तरह से डिसक्वालिफिकेशन जजेस के लिए है, उसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन के लिए भी रखे हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो लोगों को नौकरी देते हैं उनको इतनी ज्यादा जॉब सिक्योरिटी हो जाने के बाद भी जो भ्रष्टाचार है वो पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल तक स्टेट में और सेंटर में है, और इसी का उदाहरण हमने अभी देखा जो पूजा खेड़कर केस जैसे बताया गया, कि सर्टिफिकेट की जांच, कई बार कास्ट सर्टिफिकेट और ये भी व्यक्तिगत सूचना के नाम पर रोक लिए जाते हैं, जबकि कास्ट है, कभी कभी मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से दे देना चाहिए, क्योंकि व्हेन समबडी ऑफर्स से हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर पब्लिक अपॉइंटमेंट, तो इसका मतलब है कि जो भी प्रक्रिया है वो पारदर्शी होनी चाहिए, और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट उसने लगाए तो वो होने चाहिए, ताकि कोई भी उसको वेरीफाई कर सके, ताकि बोर्ड यूनिवर्सिटी लेवल पर, एक दूसरा फिर अपॉइंटमेंट के बाद भी होता है वेरिफिकेशन, या फिर जो रेफरी रेफरेंस के जो नाम दिए तो रेफरेंस चेकिंग, जो प्रक्रिया नियुक्ति के बाद हो जानी चाहिए, या फिर एक डिक्लेरेशन होता है कि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस वगैरह पेंडिंग नहीं है या इस तरह का। तो मैंने देखा कि ये प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होती है, एक बार एक डिग्री आ गई तो नोबडी से बॉदर्स टू केयर कि आपने डिग्री कहाँ से लाई, कैसे है, नहीं, अगर सही है उनकी गलत है। शिकायतें भी होती हैं, वो कहते हैं कमेटी बनी हुई रहती है ऑलरेडी, उनका एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का कहना है कि हमारा एक सिस्टम है, हमारी एक पूरी बॉडी इसकी बनी हुई है, और जो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए वो मामले वहां रेफर कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। हाँ जी सर, ये बड़ी प्रॉब्लम है। नागपुर यूनिवर्सिटी का मुझे एक केस याद है, नागपुर यूनिवर्सिटी में एक बार रजिस्ट्रार को पद से हटाकर एक आईएएस ऑफिसर को चार्ज देना पड़ा था, तो कई बार रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर भी इस तरह के यूनिवर्सिटी लेवल पर जो घोटाले होते हैं तो उसमें पकड़े जाते हैं। राजस्थान में भी एक दो ऐसी यूनिवर्सिटीज है, तो पैसे लेकर डिग्री बेचने का धंधा जो है वो भी चलते रहता है। यूजीसी टाइम टू टाइम एक लिस्ट जारी करती है कि कौन सी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन ये कि यूजीसी डजंट हैव एनी पुलिस पावर्स या रेगुलेटरी पावर्स में उनको बंद कराने का अधिकार नहीं है, तो चलते रहते हैं।
लोग विद्यापीठ विश्वविद्यालय इस तरह के, या जो इंडियन नेशनल कुछ वर्ड जो बैंड है कि बिना परमिशन के नहीं यूज किए जा सकते, ऐसे भी करके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ चीटिंग करते रहते हैं, ये बड़ी आम समस्या है, तो इसका सोल्यूशन बहुत मुश्किल है। हमारे बीच में आकाश पाठक जी वापस आ गए हैं, तो जी राहुल सर जो अपनी ठीक चर्चा चल रही है, थी वो तो हाँ कंटिन्यू कर हाँ लीजिए। जी आकाश जी बताइए। जी सर, तो सर करप्शन के टाइप्स आप पूछ रहे थे, तो जो एक मैंने सीसीटीवी कैमरे का बताया कि 50% सीसीटीवी कैमरे जो है वो ऑफ होते हैं, 50% जगहों पे होते ही नहीं है, तो ये तो एक टाइप हो गया है करप्शन का। हालांकि ये मुझे जानकारी नहीं है कि इस चीज का, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि सीसीटीवी के अंडर में आप हैं, सारी चीजें हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा प्रोविजन होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है करप्शन के कई तरीके हैं। मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके कॉलेज इंस्टीट्यूट रहते हैं, स्कूल्स रहते हैं, वहां पर मैनेज होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। जैसे अभी पटवारी घोटाला भी आप देखेंगे तो वो जिस जगह पे मैनेज हुआ है, जिस जगह से नाम उठा है करप्शन का, स्कैम का, वो जगह भी एक पॉलिटिशियन का ही कॉलेज निकला। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरा होना कंपलसरी होना चाहिए। प्लस जो एग्जाम में ड्यूटीज लगती हैं, जिन टीचर्स की लगती हैं, जो ऑफिसर्स वहां पे रहते हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, कि यदि आरटीआई के माध्यम से हम जानकारी लेना चाहें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंदौर शहर में जितने कॉलेज और स्कूल में एग्जाम कंडक्ट कराया है, वहां पे जितने भी लोग थे उनकी हमको सूची दी जाए। क्योंकि क्या होता है कि कई जगहों पर बच्चे शिकायत करते हैं वहां पर, और वहां के स्टाफ के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा उनको डरा धमका दिया जाता है कि तुमको यहाँ से पेपर बाहर निकाल दें, ये तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो, तुम ज्यादा नेता बन रहे हो। जब बच्चे के द्वारा शिकायत की जाती है इस प्रकार की परीक्षाओं में, तो ये विसंगतियां हम सामने से देखते हैं, क्योंकि मैं खुद अपियर होता हूँ एग्जाम्स में, तो वहां पे देखने को मिलती है चीजें। फिर सर मैं यहाँ पे एक जानकारी सर आपके माध्यम से भी लेना चाहूंगा। जैसे मैंने जो उदाहरण दे के बताया था आपको कि एक फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, उन्होंने 2018 तक सही थे, यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट होते थे वो, और फिर दिव्यांग का उन्होंने सर्टिफिकेट लगा के डिप्टी कलेक्टर बन गए। जब मुद्दा उठा तो कलेक्टर सपना, उस समय पे वो पोस्टेड सपना में थे, तो कलेक्टर सपना की अध्यक्षता में कमेटी ने उनकी जांच की, और मुझे जो जानकारी अभी लेटेस्ट प्राप्त हुई है कि उन्होंने हरी झंडी दे दी। तो क्या हम उस जांच रिपोर्ट को आरटीआई के माध्यम से मांग सकते हैं कि आपने क्या जांच की है, किन बिंदुओं पर की है? बिल्कुल, इसकी जांच रिपोर्ट आरटीआई के माध्यम से मांगनी भी चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार अगर अपने कामकाज को पारदर्शी तरीके से रखे और इसमें इस तरह के तमाम जो जांच होती है उनको तो सेक्शन 4 के तहत वेबसाइट पे डाल देना चाहिए, ताकि सारे लोग उसको एक्सेस कर सके और कोई उस पर बाद में उंगली ना उठाए। क्योंकि हमने यही देखा है कि जानकारी जो छुपाने का एक क्रम जो चला हुआ है गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन पे, जी हर लेवल पे जानकारी छुपाई जाती है, और खास तौर से नियुक्ति की जानकारी, सर्टिफिकेट की जानकारी, कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी। मेरा कहना है कि इसमें क्या डर है उनको, क्यों छुपाई जाती जानकारी, क्या हो जाएगा, तो मतलब कुछ गड़बड़ है तभी जानकारी छुपाई जाती है। करेक्ट, जानकारी यस तो सर, जानकारी छुपाने की परिपाटी से चलने के लिए करते हैं। वही जानकारी। जैसे सर व्यापम घोटाला जो अभी लेटेस्ट पटवारी घोटाला जो हुआ है, उसमें भी यही है, उसमें भी तमाम आरटीआई लग गई हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। मेरे पास कई बच्चों के वहां से उनके फोन भी आए, मैसेज भी आए पटवारी के लिए, वो हमेशा पटवारी घोटाले की जांच के लिए उन्होंने कई आरटीआई दायर किए। पटवारी घोटाले की जांच की रिपोर्ट जीएडी डिपार्टमेंट में है, सामान्य प्रशासन विभाग में पड़ी हुई है, लेकिन वो जी उसको नहीं दे रहे हैं। वहां पर आरटीआई गई है, वहां से उनको सेक्शन 81J का हवाला दे करके वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया है। जांच प्रभावित हो जाएगी ये भी कहा जाता है। अब जांच तो हो चुकी है, जांच प्रभावित कैसे हो जाएगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए क्या है कि जो मेरा ये कहना है कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इवन इनफैक्ट मुझे लगता है कि जिस तरह से, जिस स्तर पे, जैसे नीट एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोएक्टिव रोल रहा है, प्रोएक्टिव अप्रोच रहा है, हम मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जो न्यायालय है, यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर जो यस यस जुडिशरी है, उनका ऐसा प्रोएक्टिव अप्रोच देखने को नहीं मिला है। एक नर्सिंग घोटाले में देखने को जरूर मिला, लेकिन
पटवारी में बिल्कुल नहीं मिल रहा। और ये जो पूरा एमपीपीएससी का एक जो एक कॉकस है, एक पैटर्न बना हुआ है, मतलब इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने देना, एक रूल, एज अ रूल उन्होंने अपना एक अनसेट रूल है उनका कि हम कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने देंगे, हर बात में हाई कोर्ट जो दौड़ लगा देंगे। और मजेदार बात यह है कि ये जो पूरी एमपीपीएससी बॉडी चलती है, ये उन्हीं छात्रों के पैसे से चलती है, जो छात्र एग्जाम देने आ रहे हैं, करेक्ट उनके माँ बाप टैक्स भर रहे हैं, वो एग्जाम की फीस भर रहे हैं, सर, उससे आपके सारे खर्चे निकल रहे हैं, और उसी पैसे का यूज करके वो हाई कोर्ट जाते हैं, वहां पर वकील खड़ा करते हैं, इन्हीं बच्चों के अगेंस्ट वकील खड़ा करते हैं। ये तो गजब अंधेर गर्दी है, गजब सिस्टम बना के रखा है। इसमें आकाश जी, एक चीज जो आपने बताया कि जो पैटर्न होता है, एक तो जो सिलेक्शन, ये जो जब एग्जामिनेशन का ये जो होता है, उसमें आप बता रहे थे किस किस तरह के घोटाले हैं, मतलब स्कैम किस किस लेवल पर होते हैं, वो एक जानना था। और दूसरा, नियुक्ति में जो रहता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का, जैसे हमारी नॉलेज में कि कास्ट सर्टिफिकेट गलत दे करके भी आते हैं लोग, उसमें नियुक्ति के इस प्रोसेस में कहाँ कहाँ गड़बड़ियां होती, जी आपने सर, बताया जो एक तो हमने आपको पहले बताया कि एग्जाम सेंटर पे जो एग्जाम पेपर तो खुला हुआ मिलना, एक तो ये तरीका हो गया है। तरीका हो गया है। और दूसरा तरीका सर, आवाज मेरी आ रही है सर? आ रही ओके। दूसरा तरीका सर, हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉपी देखने का प्रोविजन था, लेकिन फिर कॉपी दिखाई नहीं जा रही है लगभग 5 साल से। मुझे लगता है कि आज के समय पे जब आईटी का युग चल रहा है, ऐसे टाइम पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या किया हुआ है कि जो कॉपी चेक होंगी अब वो ऑनलाइन कर दी है। यानी कि जो मेंस एग्जाम हम जो लोग लिखते हैं, 1400 नंबर के पेपर देते हैं, 6 पेपर होते हैं हमारे, वो सब्जेक्टिव रिटन पेपर होते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो सभी कॉपियों को स्कैन करेगा। वो सिस्टम में जब स्कैन होके पहुंच जाएंगी, वहीं पर जो टीचर आएंगे और वो कॉपी जो है वो चेक करेंगे। तो जब कॉपी आपके पास स्कैन है, स्कैन कॉपी होने के बाद आप उन कॉपीज को ऑनलाइन डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। और प्रत्येक छात्र जो है वो अपना रोल नंबर उसमें डाल के एक ओटीपी आप जनरेट करने का प्रोविजन उसमें कर सकते हैं कि वो अपना नंबर डालेगा, ताकि कोई मिसयूज ना करे, कोई मेरी कॉपी कोई दूसरा व्यक्ति ना निकाले, दूसरे की कॉपी मैं ना निकालूं, लेकिन मैं अपनी कॉपी निकाल सकूं, मैं अपनी कॉपी डिजिटल रूप से देख सकूं, ये प्रोविजन होना चाहिए। यहाँ पे करप्शन के बहुत सारे चांसेस निकल के सामने आते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला हुआ। अभी मैं उस समय पे बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी सर ने अभी बता रहे थे कि लगभग 20 से 30 साल में उन्होंने देखे कि कई चेयरमैन जो है गिरफ्तार हुए हैं। अभी हाल ही में ये मामला बिल्कुल छत्तीसगढ़ का है, लेटेस्ट मामला है। और वहां पर क्या हुआ कि जब कॉपी जो थी वो ऑनलाइन अपलोड की गई, तो उसमें ये देखा गया कि आंसर जो थे गलत आंसर पर पूरे नंबर दिए गए थे, खाली कॉपी पर नंबर दिए गए थे। तो ये जो घोटाला निकल के आया, तो ये सेकंड लेवल पे आ गया कि प्री परीक्षा हो गई आपकी, उसके बाद मेंस एग्जाम हो रहा है, लेकिन आपने यदि मैनेज कर लिया है, सारी चीजें हैं, तो आपने आंसर गलत भी लिखा है तब भी आपको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, और जिसने अच्छा आंसर लिखा है उसको नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो ये सेकेंडरी लेवल हो गया है करप्शन का। इस तरीके से भी करप्शन किया जा सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ से निकल के आया है। अभी हाल ही में बिहार ने भी ये प्रोविजन कर दिया है। अब वहां पे अभी शायद हुआ कि नहीं, पर ये निकल के आया था कि कॉपी जो होंगी आप वो स्कैन करके अपलोड कर देंगे, आप अपनी कॉपी निकाल सकते हैं। पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया जा रहा है। हमें इस बात की आशंका है कि किसी भी प्रकार की कई चीजें यहाँ पर भी हो सकती हैं। यदि कॉपी सामने निकल के आएंगी, कॉपी दिखाई जाएंगी, निश्चित तौर पर उसमें चीजें पता चलेंगी कि आप कॉपी किस तरीके से चेक कर रहे हैं। एक बच्चा जो लगातार फेल हो रहा है, उसको अपनी कमियां भी पता नहीं चल पा रही हैं। आज मैं यदि पेपर दे रहा हूँ, मुख्य परीक्षा मेरा नहीं निकला है, मैं अगली बार पेपर दूंगा तो मैं सेम टू सेम फॉलो करूंगा, मुझे अपनी गलतियां नहीं पता है। तो हमें जब गलतियां पता चल जाएंगी तब हम आगे बढ़ेंगे। उसमें भी पता चलता है बाद में कि इस तरीके की चीजें होती हैं कि हम सही लिख रहे थे लेकिन नंबर हमें कम मिल रहा है, और जो
गलत लिख रहा था उसको नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये भी एक करप्शन का प्रकार है। तीसरा करप्शन का यदि हम प्रकार देखें पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो इंटरव्यू एक सबसे बड़ा यहाँ पे रोल अदा करता है। मुख्य परीक्षा में तो चलो आपका जो भी थोड़ा बहुत लेवल पे करप्शन ही चलता है जो आया है सामने, पर आप एक व्यक्ति का 5 मिनट में इंटरव्यू लेते हैं, 10 मिनट में इंटरव्यू लेते हैं, आप एक में ऐसा क्या देख लेते हैं कि आप 175 में से 165 नंबर दे देते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 175 में से केवल उसको 70 नंबर मिलते हैं, केवल 70 मिलना और 165 मिलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों मुख्य परीक्षा को पास करके आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे करप्शन का सबसे ज्यादा झोला होता है वो इसी लेवल पर होता है कि कुछ लोगों को लगातार बड़े अच्छे अच्छे नंबर मिल रहे हैं। अच्छा, मैं उनपे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि भाई उन्होंने परफॉर्मेंस कैसा दिया हो, लेकिन वही व्यक्ति जब एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचता है और उस समय पे जब हम उनकी उनका व्यक्तित्व को देखते हैं, उनकी कार्यशैली को देखते हैं, उनके नॉलेज को देखते हैं, वहां से डाउट क्लियर होता है हमारे दिमाग में, जबकि डिजर्व नहीं कर रहा है। सर लड़की यू आर एब्सोल्युटली इनऑडिबल सर, यू आर एब्सोल्युटली इनऑडिबल सर, प्लीज चेक योर कनेक्शन मिस्टर अशोक पाठक। हाँ थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन इसमें ये चीज सही है। कई जगह इसकी शिकायतें भी आई थी कि जब ये एमपीपीएससी की चयन प्रक्रिया होती है उस समय कुछ कॉल्स जाते हैं वहां पर, दलालों के कॉल्स जाते हैं कि भाई आपका ये इंटरव्यू में फिक्स करना है, जैसे ठक्कर साहब बता रहे थे, इस लेवल पे तो करप्शन काफी होता है। और ये जब इतना कॉम्पिटिटिव दौर आ गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखिए मार्क्स को लेकर के जब 0.02 और 0.03 में फैसला होता है, तो उसमें इंटरव्यू के समय जो ये जो आशीष बता रहे थे, आकाश जी बता रहे थे माफ कीजिएगा, तो वो एक बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि उनके पास एक 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 जैसे 175 मार्क्स उनके पास हैं, उसमें अगर वो किसी को भी एस दे देंगे तो उसका सिलेक्शन तय है। तो इसीलिए अखिलेश नारायण जी, मुझे लगता है कि ये जो इस तरह के जो नियुक्ति प्रक्रिया के जो पूरी जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। इसमें मुझे लग रहा है कि हमारे साथ ये राहुल, शिवानंद जी। हाँ सर, आपका ऑडियो वीडियो बंद हो गया था अचानक। अच्छा एक मिनट, ये शिवानंद जी जी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ये राहुल बंसल जी जुड़े हैं क्या, ये बंसल न्यूज से हैं क्या? अगर राहुल शर्मा जी, सॉरी बंसल न्यूज से। शैलेश सर हमारे बीच में जरूर जुड़ चुके अरे हैं, वाह, हम बड़े अच्छे सभी जुड़ गए उनका, हैं। हाँ तो हम सभी उनका स्वागत करें सर, सादर अभिनंदन वंदन। और राहुल शर्मा जी का आपने जो चर्चा की है, तो यदि राहुल शर्मा जी सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अगर वो कैप्टन में राहुल शर्मा, शायद कैप्टन राहुल शर्मा, नहीं वो कैप्टन राहुल राय हैं, वो दूसरे हैं, वो शर्मा नहीं है जिनकी राहुल चर्चा कर रहे हैं, वो दूसरे हैं। ठीक है, तो क्योंकि राहुल शर्मा जी जो हैं वो बंसल न्यूज में उन्होंने काफी नियुक्ति घोटालों को लेकर के उन्होंने रिपोर्ट से सब पब्लिश पर की थी। आपने आपने क्या उनको सूचित किया था अपनी तरफ से? नहीं, क्योंकि मैंने सूचित नहीं किया, मुझे लगा एकदम से मैंने नाम देखा तो मुझे लगा हाँ, हो राहुल सकता है, शर्मा, राहुल शर्मा जी हैं, एक राहुल शर्मा जी, बिल्कुल उनका आइकॉन यहाँ पे तो दिख रहा मुझे है। लगा कि शायद वो हाँ होंगे। हो सकता है, तब तक हम शैलेश शैलेश जी को, शैलेश सर सर, को शैलेश सर, देता हूँ। हाँ शैलेश सर हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका, और आज का जो टॉपिक है वो नियुक्तियां जो होती हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं इसको लेकर के है। जिस तरह से आपने देखा कि एमपी में व्यापम और तमाम दुनिया भर के घोटाले हुए, और अभी हाल ही में नीट वगैरह के पेपर लीक और सब जो चल रहा है, इन सारे विषय पर है। तो आरटीआई का इसमें कितना रोल है, क्या कुछ आरटीआई से अपन लोग इसमें जानकारी हासिल कर सकते हैं? और सर मैं तो ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो मध्य प्रदेश में आरटीआई के जो ऊपर उच्च अधिकारियों के पद हैं वो खाली डले हुए हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि अब जानकारी, मतलब मध्य प्रदेश में जानकारी देना बंद कर दी जाएंगी, तो ऐसा कुछ है क्या सर कि नहीं, राहुल शर्मा जी, आप जानकारी? राहुल शर्मा जी, आप अच्छा पत्रकारिता से हैं क्या?
नहीं नहीं सर, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ सर वहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो राहुल शर्मा जी, क्या है कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 महीने से ये पद सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के पद खाली पड़े हुए हैं। पूरा आयोग जो है एक तरह से डिफंक्ट है, ठप पड़ा हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसकी उसका पूरा खुला उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही ये इसकी गाइडलाइन तय की हुई है कि 3 महीने पहले जो है इसका प्रोसेस इनिशिएट कर दिया जाएगा और इस पद को वैकेंट नहीं रखा जा सकता है। और ये तमाम गाइडलाइन के बावजूद जो सरकार की इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए इसको इंश्योर करने में कि नियुक्ति तत्काल हो जाए, वो नहीं हुई है। और उसका उस एज अ रिजल्ट ये हो रहा है जो आप कह रहे कि जानकारी नहीं मिल पाएगी बाद में, नहीं अभी नहीं मिलना बंद हो गई है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जिन्होंने आरटीआई लगाई थी, इस प्रोसेस को समझिए, आरटीआई में जानकारी मिलती 30 दिन में, अब 30 दिन के बाद अपील का प्रोसेस है, फिर वो सूचना आयोग पहुंचती है। अब सूचना आयोग में तो सूचना आयुक्त ही नहीं है, तो वहां सुनवाई कहाँ होगी? तो यही सर अल्टीमेटली मैं ये आपको थोड़ा जानना चाह रहा था कि जैसे सूचना आयोग पर अपन जिस कंप्लेंट कर रहे हैं तो अपनी कोई सुनवाई होगी नहीं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं देंगे। अब वो कहेंगे आपको जहां शिकायत करनी वहां करते रहिए। वही दिक्कत है। अब होगा क्या कि जब आप उसमें, अब आप सूचना आयोग में जब आप अपील लगाएंगे तो अब आपका जो नंबर आएगा वो नंबर हो सकता है 3 साल बाद आए। तब तक जो सूचना आयुक्तों की आजकल जो प्रोसेस है, सूचना आयुक्त तो आजकल देखिए 3 साल के लिए बनते हैं, तो 3 साल हाँ में तो जी सर, दूसरा सूचना आयुक्त आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हो सकता है कि दूसरा सूचना आयुक्त आज की तारीख में जो आरटीआई फाइल हो रही है, जो अपील आ रही है, उनकी सुनवाई 3 साल बाद होगी। तो अल्टीमेटली जो रिलेवेंस है आपके इन्फॉर्मेशन जो आप मांग रहे हैं, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन तब मांगते हैं जब आपको जरूरत होती है, तो आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो उसका क्या फायदा है, क्या मायने निकलेंगे? हाँ वही तो सर मैं आपको बोला था। थोड़ा क्या है, आप लोग जैसे मुझसे वरिष्ठ हैं, काफी जानकार लोग हैं, तो सर आप लोग, मैं चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से ऐसी बात रखी जाए कि जो आरटीए के पद खाली हैं उनको भरा जाए, तो जिससे कि जल्दी जल्दी लोगों को न्याय मिल सके। नहीं तो जो आप बोल रहे हैं ना सर, 3 साल हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे, फिर मतलब कोई देखिए, मतलब ही निकले। आप हम लोग तो राहुल शर्मा जी बार बार बोल रहे हैं, अब मुझे लगता है आप जैसे लोगों को बोलना चाहिए, छात्रों की आजकल सुनी जाती है। हाँ यहाँ पे कई सारे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, माफ कीजिएगा सर, आई एम रियली सॉरी, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मुझे लगता है बोलना चाहिए सर। यहाँ पे ना, अब जो स्टूडेंट्स का रोल है यहाँ पे, जागरूकता जानकारी देने के लिए मंच है। अब जैसे कि राहुल शर्मा जी आप सुन रहे हैं यहाँ पे, शायद राहुल शर्मा जी माफ कीजिएगा, बड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए, आपकी लगभग उम्र क्या, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर मैं एक्चुअली मैं तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत था, तो वहां पे कुछ लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब क्या है सर, वो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं झोल जाल है। अब वो जानकारी मांगी जा रही है लेकिन वो जानकारी देने में आनाकानी करते हैं, या अपन जैसे किसी से लगवा रहे हैं तो वो भी कुछ मतलब मुझे लग नहीं रहा है वो जानकारी देंगे। सर देखिए, सही मायने में ये जो आज का विषय, ये हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये तो मतलब हमारी प्रॉब्लम सेकेंडरी है, ये प्राइमरी तौर पे तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट्स और बच्चों को तो आरटीआई में पर्याप्त मतलब मौका अवसर दिया ही गया है। हम लोगों ने तो इस विषय को लेके काफी लोग हैं जिन लोगों ने माननीय सूचना आयुक्त में नियुक्ति के लिए पत्र लिखा है। संभव हो तो आप लोग भी पत्राचार करिए, उससे क्या होगा कि जब तक की डेमोक्रेटिक आवाज नहीं उठेगी, लोकतांत्रिक आवाज नहीं उठेगी, तब तक की ये परिवर्तन आना थोड़ा सा मुश्किल है। जी शिवानंद सर, प्लीज सर। जी राहुल आप सर, कार्यक्रम में, हम शैलेश सर हमारे बीच में हैं, वरिष्ठ हैं हमारे बीच में। शैलेश सर, आज के टॉपिक के बारे में जिस तरह से चर्चा हुई, तो कृपया आप अपने विचार रखें प्लीज। राहुल जी ने जो बताया, सूचना का अधिकार भी इतिहास का अधिकार बनाया जाए, और इस तरह चला तो पुरातत्व विभाग में चले जाएगा, वो आर्कियोलॉजी में। टाइम में अगर डिसीजन नहीं मिलते हैं तो सूचना का कोई मतलब नहीं बनता है, ये बहुत ही यही सर जरूरी थोड़ा है। मैं बोल रहा था आपसे। और ये जो कमिश्नर्स की पोजीशन वेकेंट है, उसमें मैं एक आयरनी बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो ये सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अगर मैं जज होता तो मैं ये आदेश कैसे दे सकता कि भाई पोस्ट भर दो, भरना चाहिए, सही बात है, मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड वहां वेकेंसीज है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वेकेंसीज जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम नाम नहीं रेकमेंड करता है वो भरी नहीं जा सकती। तो एक तरफ तो हाई कोर्ट्स में 32% वेकेंसी है, और वो दूसरे को बोलते हैं तुम भर दो, हम जो भी करें, ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है।
जहां तक बात है अपॉइंटमेंट्स की, उसमें बहुत सिंपल तरीका है मेरे हिसाब से, सब मार्क्स नाम के साथ, सर्टिफिकेट्स, हैंडीकैप जो भी है, रिजर्वेशन का अगर एलिबल करता है तो वो सर्टिफिकेट्स, ये सब पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। ये एक फ्रैंकनस्टाइन खड़ा किया गया है, ये कह के कि प्राइवेसी, प्राइवेसी क्या है? मार्क्स प्राइवेसी का है, रैंक प्राइवेसी का है। मुझे तो बड़े ताजुब लगता है, डिग्री सर्टिफिकेट प्राइवेसी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी जजमेंट में बहुत ही जबरदस्त गड़बड़ कर दी आरटीआई के लिए, कह के कि भाई प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया, वो फंडामेंटल राइट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका डिस्कशन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी जजमेंट में ये लिखा है कि ये डिस्कशन हुआ था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि ये नहीं, हमें करना है प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट। उसके बाद 52 में 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, 1952 में केस हुआ प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने के लिए, और 8 जजेस ने यूनानिमसली ये तय किया कि फंडामेंटल राइट नहीं है। जो चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नकारी, जो चीज सुप्रीम कोर्ट के 100% जजेस ने बैठ के तय किया 1952 में, 52 में तो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स भी सब जिंदा थे, तो ऐसा कोई बवाल नहीं उठा कि नहीं, हम तो कह रहे थे प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, उसको अभी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। और पिक्यूलर चीज ये है कि उसमें आप पढ़िए, कोई पीआईओ को गाइडेंस नहीं मिलेगी प्राइवेसी किसको बोले, और अब ये हम पोजिशन में पहुंच गए हैं कि सब पर्सनल इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है। तो ये जब तक इसको ठीक नहीं करते इस पोजिशन को, और कॉन्शियसली ये नहीं कहते कि नहीं प्राइवेसी क्या है वो डिफाइन करना चाहिए, मेरे हिसाब से आर्टिकल 192 में, 191A में जो भी बाधा डालनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन हो तभी आप मना कर सकते हो। आर्टिकल 192 में दो ही शब्द हैं जो प्राइवेसी को कवर करें, डिसेंसी एंड मोरालिटी। जो सूचना प्रकट करने से डिसेंसी और मोरालिटी वायलेट हो उसको मना किया जा सकता है, उसको छोड़ के बाकी सब देना है, और इसीलिए वो प्रोविजो रखा पीआईओ के सिंपल समझने के लिए कि जो सूचना पार्लियामेंट को नहीं दी जाएगी वो सूचना सिटीजन को नहीं दी जाएगी। अगर शालीनता को वायलेट करता है कुछ सूचना प्रकट करने से तो नहीं देना चाहिए, यदि इट इज ऑब्सीन दैट शुड नॉट बी गिवन टू सिटीजंस। ये बड़ा सिंपल तरीका था, पुट्टस्वामी जजमेंट ने 550 पेज का जजमेंट दे दिया 192 को रिफर किए बिना कि इसका असर आरटीआई पे पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस था। अभी ये हो गया कि जो मर्जी आए बना कर लो, इसके खिलाफ मेरे हिसाब से जनता की आवाज उठनी चाहिए। हम लोग एक एक केस में ये कहते हैं कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, फंडामेंटली ये प्रॉब्लम आ गई है जिसको हम एड्रेस नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आरटीआई को बहुत मुश्किल है। इट बिकम राइट टू, आरटीआई का आरडीआई हो जाएगा, राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। बाकी इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है, सबके मार्क्स, नाम, रैंक, अगर कोई रिजर्वेशन क्लेम करता है तो उसके सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी है वो डिस्प्ले कर लो, अगर कुछ गड़बड़ करता है तो कोई ना कोई कंप्लेन करेगा, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट जिसको नहीं मिल रहा है वो कंप्लेन करेंगे। इतना सरल चीज है, इसको हम इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया है। ये ट्रांसपेरेंसी सबसे अच्छी दवा है लोकतंत्र के लिए, देश का गवर्नेंस अच्छा करने के लिए। इससे हम दूर जा रहे हैं। आरटीआई कानून देश का सब, दुनिया का सबसे बेहतर कानून था। वेन करप्शन इज मोर इन अपॉइंटमेंट, वेन नाउ और इन 2000। अब ये किसी ने सवाल पूछा है, मुझे तो इसका जवाब नहीं पता है,
मगर करप्शन को नहीं निकालना ये तय है, भ्रष्टाचार स्थापित रहना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के हित डिफेंड होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी वुड चेंज दैट कंप्लीटली। और इसीलिए मैं आरटीआई के बहुत ही प्रमोट करता हूं, एडवोकेसी करता हूं कि ये लोकतंत्र, इफेक्टिव लोकतंत्र बनाने का ये सचमुच सही तरीका है। धन्यवाद। इसमें शैलेश सर, इसमें एक चीज जो सामने आई है, अब जो दिख रहा है अभी का जो परिदृश्य ये ऐसा है कि जो करप्ट लोग हैं वो करप्ट लोगों के लिए आरटीआई में इंफॉर्मेशन डिनाई करना दवा बन गई है, उसी से उनको ताकत मिलती है। नहीं नहीं राहुल जी, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा इंटरप्रिटेशन देगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है, जब अभी गवर्नमेंट इसको अमेंड कर देगा डीपीडीपी बिल के जरिए, तो लेजिटिमेटली डिनाई हो सकता है ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंड मोस्ट इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अ पर्सन। यस, पर्सन को डीपीडीपी बिल में लिखा है इंडिविजुअल, नहीं ज्यूरिस्टिक पर्सन, कंपनी एंड बिल्कुल। स्टेट। अब जैसे सर, मैं अगर कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मेरा कोई आदेश है, मैंने कोई सर्टिफिकेट बनाया है, वो कभी भी पब्लिक डोमेन में आएगा नहीं, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है मेरे आदेश को, तो डेफिनेटली दैट वुड प्रोवाइड मी इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सपोजर, और उससे मैं, एब्सोल्युटली, हाँ, फिर मैं निडर होकर के जो भी मुझे भ्रष्ट काम करना है, जो भी गलत काम करना है, वो मैं कर सकूंगा। तो अभी पूरा सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन को ब्लैकआउट इसलिए कर रहा है ताकि उनके जो गलत काम है वो कभी बाहर नहीं आए, उसकी अकाउंटेबिलिटी कभी तय ना हो पाए। सही बात है, सही बात है राहुल जी। आह सलीस सर, यहाँ पे भ्रष्टाचार को प्रॉपरली स्थापित करने की जी, ये ये बात है। इसमें राहुल रॉय हैं, वो अगर अनम्यूट करके अपनी बात रखें, उनका कहना है कि कुछ और भी इसमें, जैसे शैलेश सर ने सजेस्ट किया है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आने के लिए उसके अलावा ओएमआर शीट की भी बात कर रहे हैं वो। गुड आफ्टरनून सर, मैं राहुल राय बोल रहा हूँ लखनऊ यूपी से। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हुआ कि जैसे हम लोग जब एग्जाम पहले दिया करते थे, चाहे एआई ट्रिपल ए और आईटीजे हुआ करता था, तो एक समय था कि एआई ट्रिपल ए के एग्जाम्स के जो आंसर सीट होती थी, जो उसकी ओएमआर सीट होती थी, मार्क्स के साथ डिस्प्ले किया जाता था और कोई भी बच्चा उसको एक्सेस कर सकता था। तो अगर इस तरह से किया जाए, अगर इस तरह से अभी भी कर दिया जाए, जितने भी अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, जब उसका प्रीलिम्स का एग्जाम जो भी उसका ओएमआर बेस्ड है एग्जाम है या फिर ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, उसके आंसर शीट को आफ्टर इवेल्युएशन अगर उसको डिस्प्ले कर दिया जाए, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, और ये इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा अपने ट्रांसपेरेंसी के लिए। वहां से आप गुड इवेल्युएट आइडिया, कर सकते हो। और शैलेश गांधी सर ने कहा कि सारे उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं या फिर अदर जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दे आर टेकिंग दैट जॉब, उसको भी ये पब्लिक डोमेन में डिस्प्ले कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सर यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, लोग कह रहे हैं कि इसमें राइट टू प्राइवेसी आएगा उनका या फिर ये आएगा। द थिंग इज कि इफ आप जाके किसी भी पब्लिक पोस्ट को होल्ड करने जा रहे हो, तो वहां पे आप एक प्राइवेट पर्सन नहीं रह जाते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस, दैट शुड बी डिस्प्लेड इन द पब्लिक व्यू, हाँ, इन पब्लिक वेबसाइट। इट इज माय ओपिनियन सर। कैप्टन राहुल रे, ये प्रॉब्लम अभी सिस्टम में यही है कि जो हमारे पास जब केसेस आते थे जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्लैटेंटली कहता था कि भाई ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि ये सेक्शन 81J इसमें लग गया। अब लेटेस्ट अभी राजभवन का मैंने अपने एक्स पोस्ट पे मैंने डाला है, राजभवन का आदेश है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है नया, उसमें बकायदा डेटा प्रोटेक्शन बिल को कोट किया है कि अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या मांगी थी, एक कोई चांसलर अपॉइंट हुए थे, उनका कुछ सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया होगा किस चीज की, उस एलिजिबिलिटी के आधार पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ये सर्टिफिकेट हमको दीजिए, राजभवन ने उसको डिनाई कर दिया, ये कहते हुए वही डेटा प्रोटेक्शन बिल ये सब का उन्होंने कोट किया, सेक्शन 81J भी उन्होंने कोट किया कि भाई ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और उसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी कोट करके उन्होंने कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो दिक्कत क्या हो रही कि ये जब हम लोग इस चीज को खास तौर से जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट होती है उसमें नॉर्म्स सेट हैं कि आप कैसे आएंगे, क्या क्या योग्यता के आधार रहेंगे, और उन आधारों को क्लियर करने के बाद आपको वो नौकरी मिल जाएगी। तो जाहिर है कि अगर कोई व्यक्ति उस नॉर्म्स को पूरा कर रहा है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तो वैसी चीज तो वो तो सेट है। अब वैसी चीज अगर आप पब्लिक डोमेन में डाल भी देंगे तो उससे किसी का क्या
प्राइवेसी का क्या उल्लंघन हो जाएगा, और दूसरा उसमें अगर ये चीजें बाहर आती हैं तो मुझे लगता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और कई बार तो हमने ये देखा है कि लोगों के कई बार क्लरिकल मिस्टेक भी हो जाते हैं एग्जाम में, आप मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं कम हो जाते हैं, वो तमाम चीजें भी रहती हैं। तो अगर ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं, आंसर शीट आता है, होमवर्क शीट आती है, तो उससे मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी, जो जो एग्जामिनर से उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, और साथ में जो प्रोसेस है प्रोसेस बिल्कुल, क्योंकि सरकारी नौकरी जो पा रहा है वो अगर किसी, मान लीजिए उसमें कोटा सिस्टम है, उसमें एग्जाम में कितने मार्क्स आए उस आधार पर होता है, तो वो तमाम चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और खास तौर से ऐसे समय जहां पर हम देख रहे हैं कि कोटे को लेकर के पूरा विवाद है, उसमें फर्जी सर्टिफिकेट्स बन करके आ रहे हैं, EWS का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका इसका विकलांगता का सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो सब फर्जी बन रहे हैं, उसके केसेस सालों साल चल रहे हैं, एक प्रोसेस है उसका, उसमें लोगों ने शिकायत करके रखी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी जा रही है, तो ये एक बहुत लंबा सा प्रोसेस एक बना हुआ है, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि डिजर्व करते हैं उस पोस्ट को। सर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा अभी इसमें, हम बेईमानी को सॉरी सॉरी स्थापित करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को स्थापित करना चाहते हैं। दैट इज द डायरेक्शन इन विच वी आर गोइंग। शैलेश सर, मेरा इसी में आपका छोटा सा एक एक्सपीरियंस मैं आपका मांगना चाह रहा था। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ इसमें, आप बोलिए पहले। जी, राहुल जी, फिर हाँ जी। एक्चुअली जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर, पहली बात तो जब हम कोई भी पब्लिक पोस्ट होल्ड करते हैं तो हम वो जो भी कोई भी पर्सन पब्लिक पोस्ट होल्ड करता है तो वो पब्लिक एक्सचेकर का मनी यूज करता है, या फिर हमारे आपके टैक्स से उसको पेमेंट मिलती है, तो उसको ये बात तो पहले बोलना ही नहीं चाहिए कि मेरा वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी ऐसी जगह पे तो लाना ही नहीं चाहिए। और सर दूसरी दूसरी चीज मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, और खासकर हाई कोर्ट जो है वो थोड़ा बहुत अगर आईडी के फेवर में डिसीजन देते तो चलेगा भी, बट जो अपेक्स कोर्ट है अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने आरटीआई को वीक ही किया है, उसने स्ट्रेंथन नहीं किया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है सर। और सर एक चीज और मैं बिल्कुल जोड़ना चाहता हूँ। जी सर, जी सर। बिल्कुल राहुल राय जी, देखिए इवन एमपीपीएससी की जब बात आती है, यूपीपीएससी की बात आ रही बात आती है ये, और यूपीएससी की बात आती है, तो ये जो इतनी बॉडीज हैं इनका काम क्या है, इनको पावर कहाँ से मिली है और क्या पावर मिली, इनका काम क्या है? तो काम है इनका रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनका काम है कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, समान अवसर देते हुए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, प्रोसेस को कंडक्ट करना, और जो एलिजिबल जो योग्य स्टूडेंट ये एस्पायरेंट है उनको सेलेक्ट करना। अब जो उनकी जो भूमिका, अब वो कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं कि मुझे ये छुपाना है, ये जानकारी नहीं देनी, वो जानकारी नहीं देनी, जबकि ये तो उनके बेसिकली इट गोज विद देयर, लाइक जो ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अकाउंटेबिलिटी रखनी है, तो उनका जो भूमिका सिर्फ उतनी है लिमिटेड रोल में कि उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में ये सुनिश्चित करना है कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे और योग्य स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हों। तो मुझे लगता है कि आरटीआई में तो ये मतलब एक तरह से बेमानी है लोगों के साथ कि आप वो इंफॉर्मेशन आप डिनाई कैसे कर सकते हैं, उसी पर सवाल उठते हैं। सर दो चीज मैं और जोड़ दूँ, छोटा छोटा चीज मेरा और पॉइंट ऑफ व्यू है। एक सर जैसे पूजा खेड़कर का मामला आया, पूजा खेड़कर के मामले में क्या हुआ कि उसके डॉक्यूमेंट को अब कहने की गलत है, जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी एक्शन लिया जा रहा है अगेंस्ट द पूजा खेड़कर ही लिया जा रहा है। जो उसने डॉक्यूमेंट जिसने प्रिपेयर किया था, जिसने डॉक्यूमेंट दिया था, उसके अगेंस्ट में नहीं हुआ। मैं सर एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मैं यूपी से हूँ। हमारे बिल्कुल यूपी में कुछ सालों पहले एक जिला परिषद अध्यक्षा हुई, तो जिला परिषद अध्यक्षा महोदया जो थी वो थी अदर बैकवर्ड कास्ट से। उन्होंने एससी का, क्योंकि उनके हस्बैंड शेड्यूल कास्ट से थे, तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना के वो जिला परिषद अध्यक्षा शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट पे हो गई। बाद में क्या हुआ, बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट गलत निकला, उनको उस पोस्ट से हटा दिया गया। उनके अगेंस्ट में तो एक्शन थोड़ा बहुत जो भी होना था हुआ, बट द थिंग इज द ऑफिसर हु इश्यूड दैट कास्ट सर्टिफिकेट आज तक उसको पनिशमेंट नहीं मिली, ना तो उसके अगेंस्ट में कुछ हुआ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज और सर, मेरा विचार है कि सिर्फ और सिर्फ हमको जिसने उस सुविधा का लाभ लिया है उसको नहीं पनिश किया जाना चाहिए, उसके अलावा जिस अथॉरिटी ने वो इशू किया है, जिस अथॉरिटी ने उसमें रिपोर्ट लगाई है, सबके अगेंस्ट में अगर पिनल एक्शन हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उससे लोगों को ज्यादा हित होगा, फिर बाद में लोग करने से डरेंगे भी। सर एक चीज और लास्ट में जोड़ना चाहूंगा, यूपी में अभी जल्दी जल्दी में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्तियां हुई है, सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर यूपी में फुल है, और
अभी क्या देखने में आ रहा है, पिछले वाले जो इससे पहले इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे वो थोड़े लीनियंट थे टुवर्ड्स द पब्लिक, वो पब्लिक की बातों को सुना करते थे। आज के समय एक भी ऐसा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है जो पब्लिक की बातों को सुने। यहाँ पे तो एक हाईकोर्ट जैसा डेट दिया जाता है आपको, चार चार पा मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक मामला देखा, उसमें 3 साल से केवल डेट पे डेट दे रहे हैं, और पीआईओ से रिक्वेस्ट करें कि वी आर रिक्वेस्टिंग द पीआईओ टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन विद इन 15 डेज, और फिर अंत में क्या कर दिया, अंत में लिख दिया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज रिक्वेस्टेड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द पीआईओ। द थिंग इज बीइंग अ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यू आर होल्डिंग द पावर, यू आर हैविंग द पावर अंडर द आरटीआई एक्ट एंड यू यू ऑफ मस्ट हैव कोर्स टू टेक अप्रोप्रिएट पीनल देयर इज प्रोसीडिंग सफिशिएंट पावर, देयर इज अ सफिशिएंट पावर विद द With the Information Commission to take action against PIO, even if he is posted at the Prime Minister office, even if he is posted at the Supreme Court, even if he is posted at High Court or any for that any post, you know. ये तो सवाल ही नहीं उठता कि इसमें एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये तो गलत है। मैं लास्ट में एक चीज और बोल देता हूँ, अभी क्या हुआ जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई, आपको तो अच्छे से पता है कि इनमें कोई ना तो एलिजिबिलिटी देखी जाती है ना तो इसका कोई इंटरव्यू होता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोस्ट भरी जाती है, आप हाई कोर्ट में या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि बीच में वो अपने कॉलेजियम का जो डिसीजन होता है वो पब्लिश कर देते हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि जितने भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया का कभी भी कोई भी दस्तावेज पब्लिक नहीं किया जाता, पब्लिक डोमेन में नहीं किया जाता। और इसमें से एक चीज और अभी सामने आ रही है कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हो रहे हैं किसी भी स्टेट में हो रहे हैं, वो एक हेवी अमाउंट देके, चाहे वो अपोजिशन के लीडर को देके, लीडर ऑफ अपोजिशन को देके, या फिर उस पार्टी के लोग को देके, या फिर जो पावर में है पार्टी उसको देके, लोग आजकल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हो रहे हैं। स्पेशली यूपी में क्या हो रहा है, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में लोग इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन गए। अभी वो क्या करेंगे, पीआईओ के अगेंस्ट में एक आप मान लीजिए उनके अगेंस्ट में उन्होंने पेनल्टी लगा दी 20,000 रुपीज की, तो 20,000 रुपीज वो पेनल्टी कुछ दिन बाद रिवर्ट कर लेता है, और उसमें सुनने में क्या आते हैं वहां से जो कुछ लोकल प्रैक्टिसनर है, वो कुछ एडवोकेट लोग जो वहां पे लोकल प्रैक्टिस करते हैं, वो कुछ 1,000 रुपीज लेके वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तक पहुंचा देते हैं और वो अपना ऑर्डर रिवर्ट कर लेता है। ये सिचुएशन देखने को मिल रही है जो आरटीआई को स्ट्रेंथन करने की जगह और वो सिचुएशन में ले जा रही है, और ऐसे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे तो जान लीजिए कि फिर अब आरटीआई को क्या कहें। अभी सलेश गांधी सर ने कहा कि आरटीआई बन जाएगा, राइट टू डिनाई हो जाएगा, तो वो यही होने जा रहा है, और गवर्नमेंट चाह के ऐसे लोग को अपॉइंट कर रही है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कैप्टन राहुल रे कि इस तरह के ऑर्डर्स निकल रहे हैं, ये तो बड़ा शॉकिंग है कि पहले ऑर्डर निकलते हैं फिर उनको, मतलब किसी एकाध इसमें अब्बात केस में हो सकता है कि कोई ऑर्डर निकलता है और पेनल्टी विदड्रॉ की जाती है, ये बहुत अब्बात का केस हो सकता है एक्सेप्शनल इस पर, लेकिन ये अगर एक एक सिस्टम बन गया है और ऐसे अगर कई केसेस हुए हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, ये बिल्कुल सर लखनऊ में देखने में आता है, वहां पे कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड एडवोकेट कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो एडवोकेट कैसे बन गए हैं, बट उनका काम है अगर कोई भी पीआईओ के अगेंस्ट में इंक्वायरी हुई है आप उनके पास जाइए, आप उनको 20-30K रुपीज दीजिए, वो आपका पेनल्टी वापस करा देंगे और कोई भी पिनल एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं होगा। ऐसी चीजें आज के समय हो रही हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं, मैं तो एक उस वजह से बोल रहा हूँ, मैंने तो ऑब्जर्व किया है, बट वहां पे सब लोग को पता है, जितने भी यूपी में ऑफिसर्स काम कर रहे हैं सबको पता है इस आदमी से मिलो ये खत्म करा देगा हमारी, और ऐसा होता आ रहा है, ये रेगुलर चीजों में चल रही है। बट द थिंग इज कि जो पिटिशनर होता है, जो एग्रीड पर्सन होता है, वो सर ना वो हाईकोर्ट खुद ही नहीं जाना चाहता। मैंने 3-4 केसेस मैंने ट्राई किया, मैंने कहा लाइव में प्रो बोनो कर देता हूँ, जब मैंने केसेस को हैंड ओवर किया, मैंने हाईकोर्ट में उनकी रिट पिटिशन करी, जब उनको रिजाइंडर देने का टाइम है तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, पीआईओ से जाकर सेटिंग कर ले, तो ऐसे भी लोग हो रहे हैं सर आज के सामने। सर बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हेलो सर, मैं चाहता हूं मैं बीच में बोल दूं। हां राहुल सर, अच्छा ये जो जो अपॉइंटमेंट दे रहा है कमिश्नर को, चाहे वो सीआईसी हो या एसआईसी हो, जो अपॉइंटमेंट दे रहा जो अपॉइंटमेंट ले रहा दोनों ही करप्ट है, तो यहाँ आप ऑनेस्टी मत आशा कीजिए। नंबर वन, एक्चुअली इन माय ओपिनियन सीआईसी एंड एसआईसी बिकेम ए फेवरेबल पार्किंग स्लॉट ऑफ द वर्स्ट ब्यूरोक्रेट्स। आप थोड़ा ध्यान से एनालिसिस कीजिए, कश्मीर से लेके एकदम साउथ केरला तक जितना भी कमिश्नर आज का डेट में सिटिंग कमिश्नर है, इसमें आपको 80 से ऊपर मिलेगा ये लोग का टाइम पास करने के लिए ये लोग आया।
इसका ऑर्डर देखने से आपको पता चल जाएगा। मैंने एक आरटीआई लगाया था सीआईसी में 2019 का बाद से आज तक कितना टाइम सेक्शन 21 का इन्वोक हुआ है, कौन कौन कमिश्नर इन्वोक किया है, कितना पैसा मतलब पेनल्टी कितना पैसा जमा हुआ है, उसका जवाब नहीं दिया गया। नंबर वन जो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास इसका हार्ड कॉपी प्रूफ है, मैं ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सीआईसी का जो रजिस्टर है इसको आरटीआई एक्ट का पता ही नहीं है, ये एक रिटायर ब्रिगेडियर है, शाम चक्रवर्ती उनका नाम है, मिस्टर चक्रवर्ती रिटायर्ड ब्रिगेडियर, इसका आरटीआई एक्ट का कोई पता ही नहीं है। मैंने आरटीआई किया, उसका बाद फर्स्ट अपील किया, फर्स्ट अपील हो जाने का बाद जब टाइम 1.5 महीने के अंदर हमको जवाब नहीं मिला, उसका बाद मतलब 2-2.5 महीना बाद हमने सेकेंड अपील किया, सेकेंड अपील वहां जाके पहुंचने के बाद हमको क्या बोलते हैं रजिस्टर जवाब दे रहा, जबकि उसका अगेंस्ट में ही मेरा कॉम्प्लेन है। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ द कमिश्नर एंड हिज और हर ऑफिसर्स। तो क्या हम आशा करते हैं यहाँ से, आरटीआई मर गया, आरटीआई का कुछ है ही नहीं। ये हम लोग जो डिस्कशन करते हैं आज समस्या के बारे में, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका समाधान क्या है, कैसे इसको समाधान होगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बहुत सा ऑर्डर है जो प्रॉब्लम बन के खड़ा है बीच रोड में, बीच रास्ता में। अच्छा कुछ भी कुछ मैंने हाल ही में 1 महीना पहले का बात बता रहा हूँ आपको, मेरा यहाँ ईपीएफओ ऑफिस में मैंने एक आरटीआई लगाया था, पूछा था प्लीज प्रोवाइड मी द ग्राउंड विद फाइल नोटिंग फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई है, तो उसमें पीआईओ जवाब दिया है जो सेक्शन 2A में ये बताया गया है, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वही खाली दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा, तो उसको क्या करना चाहिए बोले, हमारा हिसाब से उसको सूली पे चढ़ाना चाहिए। देखो तो पता नहीं है सेक्शन 2A में अवेलेबल इंफॉर्मेशन का बारे में कुछ बोला ही नहीं है, खाली बोला है और उसके बाद फिर राहुल रे भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं कैप्टन। सर राहुल सर एक छोटा सा व्यू मैं सलेश सर से फिर शायद वो लेफ्ट पर जाएंगे इसके मैं पूछना चाहूंगा पहले करके, पर अभी हम 2024 में हैं सर, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, मैं आपके काफी आर्टिकल्स को पढ़ते रहता हूँ, आपके आदेशों को पढ़ते रहता हूँ सर, यहाँ पे दो बिंदु मैं कहना चाहूंगा, बिफोर आरटीआई और आफ्टर आरटीआई करप्शन हो रहा था सुनाई नहीं आता था, करप्शन हो रहा है सुनाई आ रहा है सर, इस कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या कहना है सर, क्योंकि आपने तो पूरा दौर देखा है, आपने काफी एक्सपीरियंस गेन किया है इस विषय पे, तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली यही था सर जो मैंने शेयर किया था। आप क्या लगता सर कि आरटीआई के बाद हम चर्चा कर रहे हैं, क्या है सर इसमें करप्शन का डेफिनेट तो कुछ मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि पूरे देश का कुछ सर्वे होना चाहिए, मगर आरटीआई की असर मेरे हिसाब से पहला जो 5-7 साल था वो काफी असरकार था, पीआईओस को थोड़ा सा डर था, धीरे धीरे वो डर खत्म हो गया और कोर्ट्स ने विपरीत डिसीजन देना शुरू कर दिया, इंफॉर्मेशन कमीशन के कुछ जो पॉजिटिव डिसीजन थे उनको भी ओवरटर्न करना शुरू कर दिया, स्टे करना शुरू कर दिया, अभी जो है इस स्टेटस को है, इसकी असर बहुत कम है, पीआईओ को चाहिए तो जवाब देता है, नहीं चाहिए तो नहीं देता है, एंड 81J का स्कोप इतना एक्सपांड हो गया है अभी तो कुछ भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोल के बड़ा कर सकते हो, तो ये तो बुरे दिन है आरटीआई के लिए, अगर हमें जुटना चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए किसी दिन ये वापस बटेगा जी जी, आप जुटना मिलना शुरू हो जाएगी जी जी सर, आत्मदीप सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, नमस्कार सर आपका स्वागत है जी, नमस्कार जारी रखिए, मैं सुनने के लिए जुड़ा हूँ। अच्छा अनुभव रहा होगा सर, आपका भी काफी लंबा एक्सपीरियंस है, करप्शन हो रहा है सुनाई नहीं आता था पहले और आरटीआई के बाद सुनाई आ रहा है सर, इस कॉन्टेक्स्ट में आपके क्या विचार हैं सर? मध्य प्रदेश निश्चित रूप से हम आरटीआई से भ्रष्टाचार पे एक सीमा तक पूरी तरह से पर अंकुश लगा है, और ये एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी भारत के बारे में कहा गया है कि इससे भ्रष्टाचार में थोड़ी कमी आई है, पूरी तरह से नहीं हो सका है, और हमें कई अधिकारियों ने भी बताया
पहले हम कोई भी गड़बड़ करते थे तो कोई हमको किसी को कोई कागज देने की बाध्यता नहीं थी, कोई फाइल दिखाने की बाध्यता नहीं थी, पर जब से आरटीआई आ रहा है हमें डर लगता है गड़बड़ करते हैं। लेकिन अगर किसी ने आरटीआई लगा दी तो फिर क्या होगा, बच जाएंगे, बच जाएंगे बंदे खुश। और बल्कि ये तक बताया हमें प्रशासनिक अधिकारियों ने कि पहले हमें मंत्री कोई आदेश देता था और 3-4 दिन बाद उसकी जिसके खिलाफ आदेश दिया है उससे सेटिंग हो जाती थी, तो वो फिर मंत्री जी हमको बुला के कहते थे कि उस आदेश को रद्द कर दो और उसकी जगह नया आदेश उस पार्टी के फेवर में निकाल दो। हम मना कर देते थे आरटीआई एक्ट की बदौलत कि सर वो तो कॉपी आरटीआई में जा चुकी है, अब अगर हमने इसको और कैंसिल किया तो बवाल हो जाएगा। तो हम भी मंत्रियों के अनैतिक कामों से बचने के लिए हमको एक तरह का ये ढाल मिल गई है। और डर तो रहता है लोगों में, खास करके आप स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायत इन सब में देख लीजिए, इनमें लोगों पे इसका डर बैठा हुआ है। और कई मामले उजागर भी हुए, लोग दंडित भी हुए हैं, जांच हुई है, कई ग्राम पंचायतों के भ्रष्टाचार उजागर हुए, उसके कारण सरपंचों से रिकवरी के ऑर्डर हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, कुछ बर्खास्त हुए हैं। ऐसे कई मध्य प्रदेश में कई ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं जो आरटीआई एक्ट से उन्होंने जानकारी ली, तो इससे बाकी लोगों में भी डर का संचार तो होता है। तो ये ठीक है कि इसमें कई व्यवधान भी उत्पन्न कर दिए गए जैसा माननीय शैलेश जी ने बताया अदालत द्वारा भी, और फिर ये डाटा प्रोटेक्शन में आ गया 8(1)(j) में जो संशोधन किया उसके कारण। लेकिन फिर भी अभी मानना चाहिए कि इसका प्रभाव एक सीमा तक तो है और इसका डर भी नौकरशाही में है। हाँ जी सर, जी राव सर, आप प्लीज आज राव पाठक जी को बुला रहे सर। हाँ राहुल सर, मैं एक तो छोटा सा एक सेंटेंस बोलकर खत्म करता हूँ, हमको भी थोड़ा निकालना है। क्या हम लोग तो प्रॉब्लम लेके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम हम लोग को मोर और लेस सबको पता है, ऐसा नहीं है जो कुछ नया चीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट आर द सॉल्यूशन टू बी अडॉप्टेड फॉर सॉल्यूशन? आकाश पाठक जी सॉल्यूशन बता रहे हैं, अभी एग्जाम वाले की जो बात चर्चा चल रही थी, नियुक्ति प्रोसेस की बात चल रही थी, तो क्योंकि आकाश पाठक जी कई केसेस कोर्ट भी ले गए हैं तो ही वुड सजेस्ट सॉल्यूशन एज वेल। ओके लेट अस सी। हाँ आकाश पाठक जी प्लीज आइएगा, अनम्यूट कर लीजिए। आकाश जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी मैं माफी चाहूंगा, बीच में डिसकनेक्ट हो गया था इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं सुन पाया। सिलेक्शन प्रोसेस में उसमें एक तो सॉल्यूशन की बात हो रही थी कि क्या क्या चीजें किस किस लेवल पर क्या क्या चीजें इंश्योर करनी चाहिए ताकि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है सिलेक्शन प्रोसेस का और वो ट्रांसपेरेंट रहे, एक पॉइंट ये है। और दूसरा जो आप चर्चा कर रहे थे कि वो जो आपने बताया था कि एक तो ये जो करप्शन होता है इसमें जो धांधलियां होती हैं नियुक्ति प्रोसेस में सर, वो किस किस लेवल पे होती सर, थी वो बात करते करते फिर बीच में आपका ऑडियो ड्रॉप हो गया था। यस यस सर, जैसे अगर हम सॉल्यूशन पे बात करें क्योंकि समस्याएं सबके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स एग्जाम्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से पॉइंट वाइज देखा जाए, सबसे पहले तो एग्जाम्स जहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल जांच दल होना चाहिए जो कि हर सेंटर पे पहले जांच करेगा कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा चालू है या नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा जो हमने सेकंड लेवल करप्शन बताया था कि मेंस एग्जाम में इस तरीके की धांधलियां देखने को मिलती है कि गलत आंसर पर सही नंबर दिए जाते हैं और सही नंबर पर सही आंसर पर गलत नंबर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाए, मेंस की कॉपियों को अपलोड किया जाए ताकि वो पब्लिक डोमेन में आ सके। यदि कोई टॉप कर रहा है मेंस एग्जाम में, सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में टॉप कर रहा है, तो वो चीज सामने आना चाहिए कि भाई किस आधार पर इनको नंबर दिए गए हैं, क्या इन्होंने वास्तव में लिखा है, एग्जाम को मैनेज किया है, तो ये चीज सामने आना चाहिए, इसलिए उस चीज को पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, मेंस की कॉपियां आनी चाहिए। तीसरा जिस इंटरव्यू के ऊपर मैं बात कर रहा था कि जहां पे सबसे ज्यादा करप्शन के चांसेस रहते हैं कि 175 नंबर का इंटरव्यू है, किसी को 160 नंबर मिल रहे हैं तो किसी को केवल 80 नंबर मिल रहे हैं, तो
इस प्रकार की धांधली होती है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटरव्यू मिनिमम मार्क्स का होना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति की, यदि हम सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें, तो आप किसी के नॉलेज का स्तर देखना है आपको, तो आपने प्रीलिम्स एग्जाम में देख लिया है, आपने उसके मेंस एग्जाम में देख लिया है, जहां पे वो विभिन्न सब्जेक्ट्स को पढ़कर 1400 नंबर का पेपर देके वो पास करता है, तो उसका नॉलेज हो गया है। अब व्यक्तित्व की हो रही थी, पर्सनैलिटी की हो रही है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, तो वहां पे एक मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और ये अच्छा वैलिड सजेशन है कि ये, लेकिन मैं उसमें एक और चीज मुझे लगता है वो भी करनी चाहिए कि जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसको भी वो इन कैमरा होना चाहिए, ताकि ये भी समझ में आए, क्योंकि जितना कॉम्पिटिटिव एज हो गया है एग्जामिनेशन का, उसमें जब हम कह रहे हैं कि परसेंटेज जो है 0.02, 0.03, 0.04, इस तरह के, इस पर बेसिस पर भी कई स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो उस हिसाब से चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इसमें थोड़े से भी अगर मार्क्स, अगर इंटरव्यू के इसमें किसी को एज मिल जाता है, तो उसको भी सिस्टम पूरा पारदर्शी होना चाहिए। आकाश जी, आप वापस, अगर आपका ऑडियो ठीक हो गया है तो बोलिए। जी जी सर, तो मेरा कहने का मतलब सर यही, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब तो उन्होंने इसकी घोषणा की कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड जो है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की, उसमें साक्षात्कार को समाप्त कराना चाहिए, क्योंकि उस लेवल पे भ्रष्टाचार होता है कि योग्य व्यक्ति को वो पोस्ट नहीं मिल पाती है और अयोग्य पैसे की दम पर आ जाता है। तो देश का प्रधानमंत्री खुले मंच से इस बात को स्वीकार करता है कि इंटरव्यू लेवल पर इतने भ्रष्टाचार होता है, तो हम मान सकते हैं कि सिविल सर्विस परीक्षाओं में भी ये धांधलियां देखने को मिलती है, इसलिए वहां पर जो इंटरव्यू मार्क्स है वो मिनिमम होना चाहिए। ये तो हो गई एक एग्जाम के पैटर्न पर। दूसरी यदि हम बात करते हैं, और तो यदि हम बात देखेंगे तो जो एग्जाम कंडक्ट प्रॉब्लम, स्टिल योर ऑडियो प्रॉब्लम, यू आर इनऑडिबल, इनऑडिबल। माफी चाहूंगा, नेटवर्क इशू हो रहा है, और क्या आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है, थोड़ा सा इशू तो है। आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, अपना वीडियो बंद करिए तो वीडियो बंद आएगा, वीडियो बंद, कैमरा बंद करके देखिए एक बार। वीडियो बंद जी, आई थिंक कैमरा उन्होंने बंद किया हुआ है। ओके, अभी ऑडिबल हूं? हां ठीक है, हां बोलिए बोलिए। ओके ओके ओके, तो दूसरी जो बात आती है सर्टिफिकेट को लेके, तो सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो बॉडीज हैं, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित एजेंसियां हो, उसमें एक ऐसी यूनिट होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे, अपने स्तर पर ही करे। एक्चुअली में क्या होता है कि ये भर्ती कराने वाली जो एजेंसी होती है वो किसी भी प्रकार के आपके सर्टिफिकेट की जांच नहीं करती है, आपने जो जमा कर दिया उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब आपके खिलाफ यदि कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, तब संबंधित विभाग के द्वारा फिर वो जांच करवाई जाती है, तब ये चीजें सामने आती है। वो पहले ही होना चाहिए, चाहे वो पूजा खेड़कर का मामला हो, यदि वो जांच सर्टिफिकेट की पहले ही कर दी जाती तो निश्चित तौर पर ये चीज सामने नहीं आती। लेकिन पूजा खेड़कर के केस में भी हमको देखने को मिला कि यूपीएससी ने सिलेक्शन दे दिया, ट्रेनिंग हो गई और वो महाराष्ट्र कैडर में पहुंच गई, और बाद में ये चीजें निकल के आई जब वो समस्या उनके ऑफिस को लेके और अन्य चीजों को लेके हुई। तो यहाँ पर भी ये होना चाहिए कि उनके सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। सरकार को जो है बहुत सी चीजें आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, कौन कौन सी ऐसे जातियां हैं, सरनेम हैं, जिनकी ये कैटेगरी में आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखने को मिला है कि कई ऐसी सरनेम मैंने देखे हैं, जैसे पांडे हैं, पांडे जनरल कैटेगरी में सामान्यता आते हैं, लेकिन कई ऐसे हमने देखे हैं जिन्होंने एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है अपने सिलेक्शन लिस्ट में,
अच्छा हम उनकी मेरिट लिस्ट देखते हैं तो उनको जो है सर्टिफिकेट का फायदा उठाते हुए वो सिलेक्ट हो गए हैं। कई फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जबकि जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके के जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके घोटाला किए जा रहे हैं ये बहुत बड़े लेवल का करप्शन है और इस पे सबसे कम ध्यान दिया जाता है। और मैं जब सुन रहा था अभी बीच में शायद राहुल रॉय जी हैं जो लखनऊ से शायद हैं और उन्होंने बताया था कि केवल उस अभ्यर्थी को सजा केवल ना मिले जिसने फर्जी सर्टिफिकेट का यूज किया अपॉइंटमेंट में बल्कि उन सभी को उस दायरे में लाना चाहिए जिन्होंने उस सर्टिफिकेट को इश्यू किया चाहे वो मेडिकल टीम हो डॉक्टर हो जिन जिन की भूमिका रही है उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो निचले स्तर से ही होना चाहिए वरना ये करप्शन जो अपॉइंटमेंट्स में है इसका लेवल बढ़ता जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार जो है सरकार एक्चुअली में बैक फुट पर इस मामले में इसलिए रहती है क्योंकि एक बड़े स्तर पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। सरकार के लोग सरकार क्या है सरकार लोगों का एक समूह है ठीक है मिनिस्टर्स का एक समूह है जिसको हमने चुना है और वो मिनिस्टर्स के इन्वॉल्वमेंट रहते हैं एमएलए के इन्वॉल्व रहता है उसमें तो वो इसलिए सामने नहीं आती है क्योंकि हमको विपक्ष घेरेगा देश घेरेगा यदि हम सरकार जांच लाती है। यदि पटवारी जांच को पब्लिक डोमेन में लाया जाता है और उसमें कमियां निकल के आती हैं तो सरकार को घेरा जाएगा और यही कारण है कि सरकार आगे नहीं आती है। अच्छा आप ये बताइए आकाश जी ये जो जैसे पूजा खेड़कर का ही मामला हुआ तो आपको क्या लगता है वो मामला क्यों उजागर हुआ? एक्चुअली में क्या होता है कि सर आज के जमाने में यदि हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी देश की सेवा और लोगों की सेवा करने कम आते हैं और ये स्कैम कैसे उजागर हुआ क्यों उजागर हुआ मतलब वो जिस उसी उसी आप एक एक, एक, एक आप मध्य प्रदेश का मामला देख रहे हैं जहाँ पे दिव्यांग सर्टिफिकेट का घोटाला हुआ है एक आप वहां का देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही ग्रीन सिग्नल दे दिया क्लीन चिट दे दी मुंबई के मामले में कार्रवाई हो गई इन दोनों मामलों में आपको क्या लग रहा है कि डिफरेंस क्या रहा? जैसे सर देखने को मिलेगा जैसे अभी पूजा खेड़कर की बात करें तो पूजा खेड़कर का सब कुछ अच्छा चल रहा था 3 महीने का उनका वहां पे ज्वाइन किए भी हो गया था लेकिन पूजा खेड़कर की चीजें सामने इस प्रकार से आई हैं कि जब उन्होंने डिमांड की कि हमको बड़ा ऑफिस चाहिए और उन्होंने शायद वहां पे किसी सीनियर अधिकारी के ऑफिस पे कब्जा टाइप का कर लिया उन्होंने एडीएम का ऑफिस था या किसी और का ऑफिस था और वहां पे उन्होंने सारी सुविधाएं लेने की बात कही वहां पे और उन्होंने अपनी जो प्राइवेट गाड़ी थी उस पे लाल बत्ती लगा ली उन्होंने ऑडी पर इस तरीके की चीजें देखिए जब पुणे कलेक्टर की संज्ञान में बीच में एक बात बोलना चाह रहा हूँ राहुल सर इसमें हुआ क्या एक्चुअल में ये जो इन्होंने ये सब किया इसके कारण नहीं हुआ क्योंकि आप देखिए पूरे इंडिया में जितने भी ऑफिसर हैं सब लोग अपने आप में भगवान नहीं समझते अपने आप को ये बात नहीं हुई। बात जो अभी हम लोग पीछे भी कर रहे थे जैसे हम लोगों ने कहा कि जो ओएमआर सीट है या फिर आंसर सीट है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया जो उनके फादर साहब ने इलेक्शन लड़ा उन्होंने उनका पूरा एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड कर दिया। अब एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड करने से क्या हो गया जस्ट अ मिनट एफिडेविट जब उन्होंने उनके फादर का जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कर दिया तो स्कैन करके ऑन रिकॉर्ड कर दिया और अवेलेबल वेबसाइट पे हो गया लोगों ने उसको डाउनलोड किया और वहां पे देखा कि उनकी जो इनकम है वो क्रिमिनल एयर में आती है जब नॉन क्रिमिनल एयर में नहीं आती और वो जो उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट का लाभ लिया था वो उन्होंने नॉन क्रिमिनल एयर में लिया था। राहुल सर एमपी सॉरी महाराष्ट्र वाला जो मुंबई का केस आया है पुणे वाला वो विजय कुमार जी जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे उन्होंने उसके पीछे लग करके काम किया इसलिए वो उजागर नहीं, हुआ। देखिए नहीं नहीं अब उसमें आपको असली चीज आप देखेंगे जो उसका टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जो आईएएस ऑफिसर है वो आईएएस ऑफिसर उनके पीछे पड़ गया तो उस मैडम की नौकरी गई है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर भी जो कास्ट सर्टिफिकेट आप पढ़ जाइए पीछे जाएगी नौकरी एक ऑफिसर ही दूसरे ऑफिसर को बचा रहा है यहाँ पर इसीलिए इस अधिकारी की नौकरी नहीं जाएगी मध्य प्रदेश वाले अधिकारी की नौकरी नहीं जाएगी वहां उस अधिकारी की नौकरी इसलिए गई क्योंकि उसका सीनियर अधिकारी उसके पीछे पड़ गया था और वहां जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी थी उसके अगेंस्ट हो गई और इसीलिए वहां पर फैसला उस लेडी के अगेंस्ट आ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये जो पूरी लॉबी होती है अफसर की अधिकारियों की लॉबी वो लॉबी ही उसके अगेंस्ट हो गई और उसमें कार्रवाई हो गई
क्योंकि हम लोग तो देखिए क्या होता है कि आरटीआई लगाते रहते, कागज डोमेन में रहते, सारी चीजें डोमेन में रहती है, उसके बाद भी पूरे भारत में ऐसे कई मामले पड़े हुए हैं जहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज जो ब्यूरोक्रेसी का एक पूरी जो लॉबी है वो उसको शील्ड करके चल रही है। वो सब सही है, लेकिन अगर जो जो लोगों को पता भी चला ना, जो उन्होंने इंटरनेट पर देख कर, सॉरी, जिन्होंने आईडिया लगाया, फिर जो ऑफिसर इनके फेवर अगेंस्ट में पड़ गए, वो भी नहीं पीछे पड़ रहे थे जब तक इनको ये कंक्रीट मिला नहीं कि ये नॉन क्रिमिनल एयर की नहीं है। और ये इनको पता तब चला जब उनके फादर ने अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया और वो पब्लिक डोमेन में आ गया, तब पता चला कि ये कास्ट सर्टिफिकेट जो इससे हुआ है वो रॉन्ग है, वो फर्जी है। अदरवाइज तो ये सब सब कुछ सही चल रहा था। जी शिवानंद सर, आप क्या बता रहे थे सर उसमें, मतलब क्या था आरटीआई का उसमें? जी शिवानंद सर, कुमार वो राहुल सर को पता है, वो एक विजय कुमार जी हैं जो वहां पर एक जी, आरटीआई इकट्ठा करके को उन्होंने चलाते काफी हैं। कागज निकाले थे उससे। हाँ, काफी कागज निकाले थे, कंप्लेंट वगैरह करी थी, तो वो एक बड़ा बेस था क्योंकि पब्लिक डोमेन में चीज आने के बाद वो चीजें मतलब हुई है, अधिकारियों ने भी कार्रवाई वगैरह की हुई थी। यदि अंदर ही दबा रह जाता तो कौन करता, कौन अधिकारी किसके विरुद्ध करता है? तो ये था कि मतलब उनमें हाँ, लेकिन उसका जो मेन जो एक फॉलोआउट दिख रहा है ना, जो हमें दोनों केसेस के बीच में डिफरेंस एक नजर आ रहा है मध्य प्रदेश और इसके मामले में, वो यही दिख रहा है कि यहाँ पर अफसरों की लॉबी दूसरे अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है, और वहां पर जो लॉबी Yes, थी उन्होंने उसके हाँ, अगेंस्ट हो गई थी। वो तो सर क्लियर है, क्योंकि वो खेड़ेकर जो थी वो अपना रौब जमाने के लिए जिस तरह से वहां के चीजें डीएम से करती हैं बहस हुई उनको। उनकी, और हाँ उसमें डीएम भी काफी पीछे पड़े हुए थे, बिल्कुल सर का कहना उचित है, हाँ नहीं सही है, और बिल्कुल वो सही एक सही बोहोत कह बड़ा रहे हैं। कारण रहा। तो वो क्या है, उसका उसकी हेगड़ी के कारण वो सब उसके अगेंस्ट हो गए, और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा बवंडर हो गया। राहुल जी, तो एक राहुल सर, यहाँ पर मैं सवाल, थोड़ा, आप जर्नलिस्ट हैं सर, इन लोग का फ्यूचर किस तरह का रहता है इनका, मतलब आप कुछ आकलन समझ में आ ही रहा होगा कि इनके कोर्ट का जजमेंट जो भी होगा वो होगा, इनको हो सकता है ग्रीन सिग्नल मिल जाए, हो सकता है रेड सिग्नल मिल जाए, इनका फ्यूचर किस तरह का रहता है सर? क्या कभी ये मान सम्मान वापस पा पाएंगे? बिल्कुल पा लेते हैं, अगर सर्विस में रह गए तो चलता रहता है, बढ़िया चलता है। सर्विस में कई लोग हैं जो हाई कोर्ट से स्टे लेकर के सर्विस में बने हुए हैं, कंट्रोवर्शियल लोग हैं, ब्राइब के केस में उनके इनकम टैक्स की रेट पड़ चुके हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेसी में कई लोग हैं। आप फ्यूचर बात कर रहे हैं, फ्यूचर और ब्राइट हो जाता है, क्योंकि उसमें उनकी योग्यता दिख जाती है कि भाई ये आदमी जो है जिसके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी, कोई गरीब आदमी तो होगा नहीं, मतलब वो पैसे कमाने का उसको गुर आता है, तो वो तो फिर मतलब जो कहते हैं ना कि हीरे की कदर जोहरी ही जानता है, तो जो उससे बड़ा वाला जोहरी होता है वो पहचान लेता है, बोलता है ये अधिकारी अच्छा है। और ऐसे अधिकारियों को एक शब्द होता है, उसको आपको मैं बताता हूँ, कभी भी किसी के बारे में डिस्कस किया जाता है तो बोलते हैं बड़े पॉजिटिव अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारियों के बारे में ये बोला जाता है कि बड़े पॉजिटिव बिल्कुल सर, अधिकारी बिल्कुल हैं। सर। सर, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिनके अगेंस्ट में बाईगेमी के केसेस हुए हैं, और उनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, नौकरी से उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया, और जो उनको उन्होंने जबरिया IRS अपना लिख दिया अपने घर के सामने। कुछ दिनों बाद वो हाईकोर्ट से रिलीफ लेके आ गए, आज वो स्टेट के सबसे रिप्यूटेड पोस्ट पर बैठे हुए, इनकम टैक्स कमिश्नर, जैसे वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का कमिश्नर होता है, उसके चेयरमैन बन बन के लोग बैठे हैं। ऐसे ऑफिसर भी है देश में। ठीक है कुलदीप जी, अगर किसी के क्वेश्चंस होंगे तो मेरा सर एक वो मेरे ही जैसे प्रश्न था आपसे सर, भी यहाँ पे करप्शन को लेके ही था। जैसे अभी आपने सर देखा होगा कि मैंने इस चीज को लेके एक्स पे पोस्ट भी की थी, और कई मीडिया में मैंने बाइक भी दी हुई थी, कि मध्य प्रदेश में जो हाल ही में चयनित कई अधिकारी आ रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर, DSP और अदर पोस्ट का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए सबसे अच्छा साधन ढूंढ लिया इन्होंने, कोचिंग इंस्टीट्यूट को ओपन करना, ताकि उस माध्यम से ब्लैक को व्हाइट किया जा सके। वर्तमान में वो कई पदों पर हैं, कोई DSP है तो कोई डिप्टी कलेक्टर है। मैं इनके खिलाफ, मैंने अभी जो है आवाज उठाना शुरू की है कि ऐसे लोग, हालांकि ये नियमावली के खिलाफ भी है कि कोई भी यदि अधिकारी है तो वो जो है कोई भी प्रकार का निजी व्यवसाय नहीं कर सकता है, और कोचिंग संस्थान चलाना एक निजी व्यवसाय की तरह ही कार्य करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे लड़ा जा सके? मध्य प्रदेश में इनकी संख्या एक बड़े लेवल पर है, मैंने देखा है कि कई ACS और ADGP लेवल के जो अधिकारी है वो कोचिंग खोल के और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को,
नहीं तो ये तो सर्विस रूल्स का, ये तो आकाश जी ये तो सीधे सीधे तौर पे सर्विस रूल्स का वॉयलेशन है। अब सवाल ये होता है कि बात होती है एविडेंस की, कि वो अधिकारी सीधे तौर पे कैसे जुड़े हुए हैं और उनको वो लाभ कैसे ले रहे हैं। अगर वो कैश में डील कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगा उसको अब आपको स्टेब्लिश करना। हाँ लेकिन अगर उसके कोई कागज हैं और वो अगर मान लीजिए चेक के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट उनके पास आ रही है तो डेफिनेटली। लेकिन ये अधिकारी इतने बेवकूफ तो होंगे नहीं कि जो ये ऑनलाइन पेमेंट जनरेट कर रहे होंगे तो वो ब्लैक जी मनी जनरेट हो रही होगी। तो ये थोड़ा सा वैसा विषय है, लेकिन स्टिल लाइक चूंकि एसोसिएशन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी इस तरह से गलत काम कर लें और सर्विस रूल्स के वॉलेशन में कोई काम करें और आप यू गेट अवे विथ इट, तो वैसा भी नहीं हो सकता। जब ये इस तरह की शिकायतें आती हैं डिपार्टमेंट में इंक्वायरी भी होती है, डिपार्टमेंट का भी अपना प्रोसेस है कि वो कंडक्ट भी करते हैं। लोग शिकायत करने पर लोग उसके जो भाई अगर आप वहां जा रहे हैं रेगुलर पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके वीडियोस भी सर्कुलेट होते हैं, तमाम चीजें हैं जी जहां उनको जी जी उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एविडेंस के साथ उसकी शिकायत कर रहे हैं। इन्होंने तो सर, मैंने जैसे कुछ कोचिंग का आपको मैं भेजूंगा पर्सनली डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सर कि वो तो बकायदा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, पोस्टर लगे हुए हैं उन लोगों के, जो अधिकारी हैं डीएसपी हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं डायरेक्टर के रूप में, मेंटर के रूप में। पाठक जी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सर, हम लोगों ने एक काम किए थे ऐसा, गोंदिया में, गोंदिया महाराष्ट्र में एक डेमोसेट का कर्मचारी था, वो ट्यूशन पढ़ाया करता था, तो हमने सर शिकायत संबंधित सबूतों के साथ में, साक्ष्य के साथ में किया था, और बकायदा उस विषय की जांच हुई थी, और जांच उपरांत उसे सस्पेंड तो नहीं किया गया था, अगर टाइप दो तो इसके बोलने में किया गया था। बोलो। अच्छा जी सर। जी आकाश जी आप कुछ बोल रहे थे पाठक सर। जी उसमें यही वही कह रहा था एविडेंस। कि कुछ लोग ऐसे हेलो हैं जिनके मेरे पास तो एविडेंस हैं, पोस्टर हैं उनके, मैं राहुल सर आपको भेजूंगा, और उसमें वो क्लियरली कोई डीएसपी है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, और उनके बकायदा पोस्टर लगे हुए हैं इंदौर शहर में कि ये डायरेक्टर हैं, उनके नाम से एडमिशन हो रहे हैं, वो आराम से वहां पे अपनी जॉब कर रहे हैं, पढ़ाने भी नहीं जाते हैं, लेकिन उनके नाम का मतलब वो एक टैग आजकल ब्रांड को मतलब यूज भविष्य करते में, हैं, उनका भविष्य ब्रांड में नेम जो यूज है, करते हैं। यस यस सर यस सर, मतलब भविष्य में भारत में जो है सरकारी नौकरी अब ऐसा हो जाएगा कि जाति जो है वो अब सरनेम की जगह आईएएस आईपीएस डीएसपी डिप्टी कलेक्टर जाति का रूप ले लेगी भविष्य में जाके, क्योंकि इतना ग्लैमरस बना दिया गया है इस चीज को, और उसके बाद इस तरीके से लोगों की जान ली जा रही है, जब दिल्ली का केस देख लें आप या कहीं का भी देख लें, बड़े लेवल पे चीजें निकल के आई हैं कि किस तरीके से बच्चों को बेवकूफ बना के और इस तरीके से लूटा जाता है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना है कि आप पद पर हैं, आप डीएसपी हैं, उसके बावजूद आप जो है कैसे इतना बड़ा सेंटर चला रहे हैं। आप पुलिस हेडक्वार्टर्स में इसकी पीएचक्यू में जो एडमिन शाखा है वहां इसकी शिकायत कर दें, डीजी को कर दें, सीएम के पास भी करें। सीएम के सीएम इनका जो समन्वय वाला जो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है वो फिर डीजीपी को इंक्वायरी के लिए भेजेगा और इसमें बकायदा इंक्वायरी हो सकती है। होम डिपार्टमेंट में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, वहां से भी इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है। चूंकि ये जीएडी के तहत नियुक्ति प्रक्रिया भी संचालित की जाती है और ये क्लियरली वॉलेशन है तो जो पर्सनल डिपार्टमेंट है जीएडी का वो भी इसमें एक्शन इनिशिएट कर सकता है, इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है, क्योंकि ये इस तरह से अपने ये अनबिकमिंग ऑफ ऑफिसर है कि आप अपने और सर्विस रूल्स का वॉलेशन है साफ तौर पे। तो उस एविडेंस के साथ आप शिकायत करेंगे तो आई एम श्योर कि इसमें बकायदा कारण बताओ नोटिस भी इशू होगा डिपार्टमेंट की ओर से उनको, और उनका जवाब लेने के बाद जो भी इंक्वायरी के पहलू होंगे उस पर फिर उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। अच्छा, ये लोग जो है सर, इसमें एक पॉइंट और मैं इस पे थोड़ा सा आपका उत्तर चाहूंगा कि जैसे डायरेक्टर जो है कोचिंग का रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम कराते, कोई भाई के कजिन के नाम पे कराते हैं, और लेकिन दैट इज अपने ऑल मोर नाम से गुड, दैट पूरा इज यूज ऑल करते मोर हैं। गुड। देखिए दैट इज ऑल मोर गुड, मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बेवकूफी वाला काम किया। अगर उन्होंने अपने रिश्तेदार के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराया, उस पर उनका फोटो लग रहा है, तब तो वो क्लियर एक एसोसिएशन आपका हो गया ना कि भाई जी इसमें आपका दिख रहा है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट आप ले रहे होगे, अनड्यू एडवांटेज तो ले रहे होगे या अनड्यू जी एडवांटेज अपनी पोस्ट का दे रहे हैं, आप किसी बिजनेस को दे रहे हैं। जी तो बी इट लाइक आपका रिलेशन है या नहीं है,
लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आपके वर्दी में लगी हुई एक पोस्टर वो छप रहे हैं, आपकी डेजिग्नेशन के साथ लग रहा है, तो जी, आप जी. किसी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप एक एडवर्टाइजर के रूप में आप एक माल को बेच रहे हैं, एक ब्रांड है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उस ब्रांड को आप बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये काम सरकारी अधिकारी का तो है नहीं, और सरकारी इसमें इंडोर्स क्यों करेगा किसी ब्रांड को, तो इसके खिलाफ तो एक्शन बिल्कुल होगा। जी सर। शैलेश सर, शैलेश सर कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। शैलेश सर, हाँ मैं ये कह रहा था, चार लोग, चार या पांच लोगों के लिए हाथ रेस करके बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। हाँ, सब लोगों के क्वेश्चन कुलदीप जी कोऑर्डिनेट कर लीजिए। जो देवेंद्र अग्रवाल जी, आपका क्या क्वेश्चन है? पहले आप अपनी बात रखें, फिर राजकुमारी जी। धन्यवाद। लेकिन मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे घटित कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ जो आकाश सर ने लिया है, उनके टॉपिक्स को और मजबूती से अपनी बात को रखने के लिए रखना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो तो, या किसी क्वेश्चन वालों को पहले लेना चाहे तो बताइए। बताइए ना, बताइए, आपके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन। तो जी, जैसे आकाश साहब ने कहा कि एमपी जो है थर्ड पोजीशन में आता है, मैं आपको बता दूं पूरे देश में छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजीशन में आता है। और जो ये मामला जो इन्होंने कहा सीजीपीएससी वाला मामला, सीजीपीएससी वाले मामले में ये हो रहा था कि कई अधिकारी ऐसे थे जो आईएएस अधिकारी से, टामन सोनवानी जी हैं, कटियार साहब है, ये आलोक कटियार साहब तो जो है जो महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे उनके दामाद है, तो ये सारे लोगों के जो फैमिलियर मेंबर है, बहुत सारे फैमिलियर मेंबर, जैसा टामन सोनवानी के पांच पांच घर के पांच पांच लोग जो है सीजीपीएससी में सिलेक्टेड हो गए, जो कि डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी के जैसे बन गए। इन सारे मामलों पर जो है इश्यूज जनरेट किया था बीजेपी ने, और अभी सीबीआई की इस पे जांच पर है। अब मैं आपको, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो खैर बहुत सारे मामले चलते आए, फार्मेसी घोटाला, फार्मेसी में क्या हो रहा था कि आप झारखंड से आ रहे थे, कोई दिल्ली के सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे, और यहाँ पे काउंसिल उनको आंख बंद करके स्टेट में काम करने के लिए दे दे रहा था, वो उन कॉलेजों से उसकी जांच नहीं करवाता था, तो बिना जांच किए वो आज जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में एलिजिबल कैंडिडेट के जैसे चले। इसके कारण से फार्मेसी जो काउंसिल है उसमें से 36,000 लोगों को पाया गया, 36,000 लोगों का जो है एक बार में रोक लगा दी गई। उसके बाद 1800 लोगों में से 137 या 138 लोग थे जिनके ऊपर एफआईआर कायम हुई और उनको जेल भी भेजा गया, जो कि अभी जमानत पर है। मतलब मैं आपको मामला दिखाना चाह रहा हूं। इसके अलावा जो ये जो गड़बड़ हो रही है ना, जो ईडब्ल्यूएस की या दिव्यांग सर्टिफिकेट की, इसकी गड़बड़ का मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ कि कैसे होती है। ये जो है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि हर स्टेट में आरटीई के तहत बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, तो आरटीई के तहत एडमिशन देने के लिए इसमें भी बहुत सारे खेल होते हैं। स्कूल क्या करता है कि डेटा निकालता है बच्चों के नाम का और फादर नेम का, अगर बच्चों के नाम और उसके पिता का नाम मैच कर जाता है ना, तो सिर्फ क्या करता है, पिता के नाम वाला उनके पास ना राशन कार्ड के ना, हमारे यहाँ बहुत सारे, क्योंकि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे कोई भी ग्रामीण योजनाएं चले, सबके ना राशन कार्ड इम्पेल्ड होते हैं, हर डॉक्यूमेंट राशन कार्ड से चलता है, और राशन कार्ड हमारे यहाँ चलता है 2007 और 2011 की सर्वेक्षण सूची, जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो होती है उनके यहाँ की जो घर की महिला होती है, मतलब वो 50 साल 60 साल की महिला तो स्कूल में आरटी के अंदर दाखिले में नहीं आएगी, डेफिनेटली उनकी संतान आएगी और उनकी संतान की संतान के लिए दाखिला होगा। तो अब उनके फादर का नेम उसमें से सेलेक्ट किया जाता है, फादर का नेम सेलेक्ट करके एक फर्जी किराया नामा लगा दिया जाता है और आरटी के तहत एडमिशन मिल गया। अब जो स्कूल करते हैं, स्कूल क्या करते हैं, उसको नॉट कम टू स्कूल दिखा के बाद में, पहले आरटी का पूरा पोर्टल क्लोज करवा लेते हैं और सितंबर में नॉट कम टू स्कूल दिखा के क्लोज कर देते हैं। और जो चीज स्कूल वाले जो फेक वाले रहते हैं, फेक वाले में उनको चलाते रहते हैं। इस मामले में दुर्ग जिले के अंदर में 2 एफआईआर पेरेंट्स के ऊपर हुई है। इसी तरीके से जो आपने कहा कि ये जो कोचिंग सेंटर के साथ जो मिलीभगत चल रही है, ये व्हाइट मनी जनरेट नहीं करते हैं कोचिंग वाले, ये कोचिंग वाले ब्लैक मनी जनरेट करने का काम करते हैं। व्हाइट मनी जनरेट करने का काम जो है यूनिवर्सिटी संस्थान जो सोसाइटीज में रजिस्टर्ड होते हैं स्कूल वाले, इन लोग करते हैं। पहली बात, मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें भी हमारा मामला चल रहा है। इसके अलावा जो आपने कहा कोचिंग के ऊपर रेगुलेशन, तो कोचिंग के लिए जो गाइडलाइन आई है 2024 जनवरी की गाइडलाइन, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जारी किया है, इसके अंदर में इन्होंने बहुत सारी चीजें ला दी है, एज रिस्ट्रिक्शन ला दी है, ट्यूटर्स के जो है क्वालिफिकेशन का गाइडलाइन ला दिया है, अवॉइडिंग जो फॉल्स प्रोमिसेस एश्योरेंस है या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिटी है,
फैसिलिटीज है, रिजल्ट है, उस पे स्ट्रिक्टली जो है ना प्रोबिलिटेड किया गया है। अगर आप इस पर चाहे तो एफआईआर भी कर सकते हैं, और 2019 के जो कंज्यूमर लॉ आया है उसके अंदर में भी आप जा सकते हैं। किसी भी तरीके का मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्वालिटी, फैसिलिटी और रिजल्ट के आधार पर नहीं किया जाएगा, उसमें स्पष्ट गाइडलाइन है। इनको अपडेटेड वेबसाइट रखनी पड़ेगी, वेबसाइट्स पर इनको अपने डेटा रखने पड़ेंगे, मेंटल जो वेल बिलिंग पर है उस पर काम करना पड़ेगा, काउंसलर पे काम करना पड़ेगा, फी रेगुलेशन पर काम करना पड़ेगा, जितनी भी इनको रजिस्ट्रेशन है उनको सारी चीजें फेयर उसमें लाना पड़ेगा। जैसे आज पब्लिक अथॉरिटीज के लिए हम लोग के लिए कराने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि हम उन्हीं से करवाने और उनसे करवाने के लिए हमारे साथ मुश्किल खड़ी हो जाती है, लेकिन इन प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के लिए ये चीज कराना आसान है। या तो वो आप पब्लिक अथॉरिटीज में इसकी शिकायत दे सकते हैं, या तो आप पुलिस में भी शिकायत दे सकते हैं, आप इस पे सीधा कोर्ट में भी परिवाद लेकर जा सकते हैं। ये आपको बड़ी खुली छूट मिलती है कोचिंग सेंटर को डील करने के लिए, ये बहुत इजी वे में काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो आपने एक बात कही थी, जो रोल नंबर लीकेज की बात है ना, जो सबसे बड़ी वो रोल नंबर लीकेज की बात भी है, जो सीजीपीएससी का मामला आया था ना, इसमें रोल नंबर लीकेज का मैटर, क्योंकि जो रोल नंबर होता है इसमें, आज जैसे आईडी कार्ड जब बनती है तो इनका एक रोल नंबर जनरेट होता है, एनरोलमेंट नंबर या आईडी नंबर, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है पेपर जो एग्जामिनर जो चेक करने वाला रहता है उनको ये नहीं मालूम रहता है कि वो जो बच्चा है वो कौन है, लेकिन जो ये बड़े अधिकारी रहते हैं या जो ये जो पब्लिक सर्विस चलाते हैं इन लोगों को मालूम रहता है कि वो एग्जामिनर कौन होगा या वो बच्चा कौन है। तो ये जो मामला यहाँ पर टामन सोनवानी वाला जो मामला आया ना, उसमें ये बात को एक बहुत बड़ा वो किया जा रहा है पॉइंट को, कि इनके नंबर्स जो है एग्जामिनर जो चेकिंग करने वाला था उसके पास थे, और इनको मालूम था कि किस एग्जामिनर के पास जो है उनके इस रोल नंबर के पेपर जांच करने के लिए गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। इसके अलावा जो माना जाता है, वो माना जाने में यह है कि कोई भी पेपर जब डेवलप होता है तो उसकी एक कमेटी होती है, उस कमेटी में एक प्रारूप तय किया जाता है कि इस नंबर के इतने इतने रेंज के इस तरीके के क्वेश्चन डेवलप किए जाएंगे सीजीपीएससी, और उसमें तो खैर टिकिंग और अदर मार्क्स के रहते हैं, लेकिन मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पेपर जो है ना, रफ पेपर्स अलग अलग मेंबर्स प्रेजेंट करते हैं। इस मेंबर्स को प्रेजेंट करने के बाद इनकी कोर कमेटी में फाइनल 3 लोग होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि फाइनली पेपर क्या होगा। सारे रफ जितने भी लोगों के व्यूज आए रहते हैं उस पर 3 लोगों की एक कमेटी और होती है, सुपर कमेटी, सुपीरियर कमेटी होती है, जो तय करती है कि पेपर में क्या आएगा। इन 3 लोगों को मालूम होता है, और ये जो कोचिंग सेंटर है ना, ये कोचिंग सेंटर इसके धंधे में इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि लोग सीधा पेपर लीक नहीं करते, इन लोग क्या करते हैं जो 3 मेंबर्स रहते हैं इनसे लिंकेज करने के लिए कोई ना कोई कोचिंग सेंटर कहीं ना कहीं से इनके साथ जुड़े होने का या जुड़ने का प्रयास हमेशा करते रहता है। और लगभग लगभग जितने क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, आप सभी क्वेश्चंस कोचिंग सेंटर में देख लीजिए, कोचिंग सेंटर में एक मतलब एकदम जो मेन क्वेश्चंस जो है ना प्रिपरेशन करवाने का, परीक्षा के समय स्पेशल एक प्रिपरेशन करवाया जाता है बच्चों को। ये आप ये एक बहुत बड़ा आधार है जिस पर आज तक जांच के लिए कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रॉड बैंक आ जाता है कि किस तरीके से ऐसा पॉसिबल है कि एक हम जो एक आभास लगा रहे हैं, संभावना लगा रहे हैं कि वो क्वेश्चंस आएंगे। और आप देखेंगे कि कई कोचिंग सेंटर इस चीज का दावा करते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो बताए हुए क्वेश्चन वो 90% आए, 80% आए, 100% आए। जो पेपर बताने लीक करने वाले जो कमेटी के भी मेंबर रहते हैं उन लोग भी क्या करते हैं, समझदार होते हैं, वो 100% जानकारी नहीं देते, वो 50% 60% जानकारी दे देते हैं। तो ये सारे खेल जो है बहुत अच्छे तरीके से वेल एस्टेब्लिश तरीके से सामूहिक रूप से किए जा रहे हैं, और इस पर जो है हम लोग जो है अभी बहुत काम कर रहे हैं, और इस पर हमारे पास काफी सारे डेटा हमने अवेलेबल इकट्ठे किए हुए हैं। तो सर अगर कुछ और इससे रिलेटेड बोलने का रहेगा तो मैं धन्यवाद आपको। हाँ, अब इसमें राज तिवारी जी कुछ करना चाह रहे हैं। राज तिवारी जी सर नमस्कार सभी को। सर मैं अभी कुछ दिन पहले एक बुक स्टोर पर गया था, तो वहाँ पर एक बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और कुछ बुक्स भी थी, तो उनमें आईपीएस आईएएस के द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तक थी, लेखक वही थे सर उसमें, और बाकायदा लिखा हुआ था कोचिंग का नाम और उनके साथ में लेखक, उनके जो कलेक्टर थे वही। तो सर क्या ऐसा प्रावधान है कि कलेक्टर के द्वारा कोई बुक ऐसी छाप दी जाती है और बच्चों को हर कोचिंग में वही प्रोवाइड करवा दी जाती है, क्योंकि कोचिंग वाले विरोध तो कर नहीं पाते जो कलेक्टर साहब ने लिखी है और उनको कोचिंग में लेना भी है। तो सर मेरा पूछना यही था कि क्या ऐसा है हो सकता है कि सर कलेक्टर साहब भी अपनी पुस्तक छाप के कोचिंगों में बेच रहे हैं।
चले सर, ये मॉरली तो गलत है बट मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे इसको नेल डाउन करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट है वो किताबें लिख सकता है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं हो सकता कि वो किताबें ना लिख सके। अब वो जो आप बोल रहे हैं एक तरह से ब्राइब के तरह चलता है, कोचिंग सेंटर के थ्रू बेची जाती है, वो गलत है, बट उसको लीगली कैसे नेल डाउन करना आई एम नॉट टू श्योर। क्योंकि सर उसमें बच्चों के फोटो भी लगे थे सिलेक्शन के उस वाली बुक पे कि ये पुस्तक पढ़ने से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और कोचिंग का नाम भी डला था। राज तिवारी जी, इस विषय पर आकाश पाठक जी शायद कुछ और कह पाए। आकाश जी, ये जो आईएएस आईपीएस अपना नाम से ये बुक छापते हैं और इस तरह से ये जो बता रहे हैं राज तिवारी जी, इस पर क्या रहता है, क्या रेस्ट्रिक्शन रहता है, कर सकते नहीं कर सकते, लीगल है लीगल है क्या ही? ठीक है आकाश जी, शायद नहीं सुन पा रहे हैं या उनका नेटवर्क का भी इशू रहता है। तो इस विषय पर राहुल सर, आत्मदीप सर कुछ और ऐड करना चाहेंगे राज तिवारी जी के प्रश्न पर? हाँ देवेंद्र जी को बोलना चाह रहे सर, ये पॉसिबल नहीं है। जनरली कोचिंग सेंटर वाले बुक तय करते हैं, वो भले कमीशन देते होंगे कलेक्टर को तो बात अलग है, बाकी कलेक्टर्स के ऐसे कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में जाएगा, जो कि एमओई की गाइडलाइन के अनुसार होगा। ठीक है, आप राम इस पे सिंह जी, कंप्लेंट दे सकते हैं। राम सिंह जी यूपी से। नमस्कार सर जी। सर अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अभी मैं आप हो गया आपका आप हो गया हेलो सर। कुलदीप जी आगे के जो भी प्रश्न है इनको ले लीजिए सब आप लोग हैं। जी 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 सर जी सर। हाँ राम सिंह जी, आपका अगला प्रश्न क्या है? हेलो, जिनके प्रश्न होते जा रहे हैं हैंड्स डाउन कर दीजिएगा। हाँ राम सिंह जी, प्रश्न पूछिए। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ। हाँ, और अभी कुछ ही दिन पहले मैं आयोग गया था, तो यहाँ पर आयोग में जो नए नए लोग आए हैं चरण वंदना के तहत आए हुए, ये लोग जो हैं यहाँ पर आईपीसी और सीआरपीसी केवल लागू कर रहे हैं, दलील सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। पीआईओ ने अगर झूठा अगर लिख दिया, इतवन जे का हवाला दे दिया किसी भी नॉर्मल सूचना के लिए, उसमें भी वो कहते हैं हाँ उसने तो लिख के आया है, वो सही कह रहा है, 81J से है, ये सूचना तुमको नहीं मिलेगी, सूचना पा जाओगे तो परेशान करोगे इनको। पहली बार मुलाकात हुई, उनको ये पता चल रहा है कि जितने मतलब कि आवेदक हैं सूचना मांगने वाले, वे सब ब्लैकमेलर उनके लिस्ट में हो गए हैं। और खास करके मैंने दो कोर्टों में देखा है, एक तो जो मुख्य सूचना आयुक्त जी हैं वह, और दूसरा दो नंबर कोर्ट जो है सुधीर कुमार सिंह जी, वो आईपीएस रहे हैं, डीआईजी से रिटायर हुए हैं, और रिटायर होते ही जो है वह तुरंत जो है चरण वंदना करके यहाँ पर हाजिर हो गए। तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर किसी भी जजमेंट, जैसे पुराना किसी कमिश्नर का जजमेंट हो या हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट के, किसी जजमेंट को देखते तक नहीं, अगर दलील में कहा जाए कि झारखंड उच्च न्यायालय का एक जजमेंट है, कोई सिन्हा करके थे उनका, उस जजमेंट को हमने दिया, सेम केस मेरा वैसे ही था, मैं भी उसी जो है कि एक बिड थी, बिड के कंपटीटरों का जो है डिटेल मांग रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई ये सब सूचना नहीं मिल पाएगी, आप इसके लिए जो है कि हाई कोर्ट जाइएगा, केस निस्तारित कर दिया। ये सब सारी चीजें जो है ना सर, अब ऐसा लगता है कि जो पिछला कार्यकाल लोगों का था, टेन्योर था, वो तो थोड़ा ठीक था, लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि मोटिवेट करके ये लोग आए हुए हैं कि ये कर दिए गए हैं कि भाई पीआईओ के जो भी सूचना मांगी जा रही है वह सूचना किसी भी तरह से डिनाई किया जाए। और गांधी सर कह भी रहे थे कि आने वाले समय में यह सूचना जो है राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, डिनाई टू इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें मूल बिंदु आपका प्रश्न क्या है जी सर? इसमें आपका मूल बिंदु प्रश्न क्या है सर? मूल बिंदु प्रश्न मेरा ये है कि यह सूचना मैंने हाई कोर्ट झारखंड का इसमें लगाया हुआ था कि भाई इस तरह से यह सूचना हमने मांगा, और इसमें हाई कोर्ट झारखंड ने 2007 में दिया भी है, इन्होंने कहा कि नहीं हम सूचना नहीं दिला सकते, आप परेशान करेंगे सूचना पा जाएंगे।
अच्छा जी जी एक पूछना चाहूंगा बस आपसे लास्ट में, क्या वहां पे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग अभी अलाउड है यूपी में कि बंद है? वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग कुछ दिन तक शुरू हुआ था, शुरू होते ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि हमें लग रहा है कि वहां पर जो एक विशेष यूनिफॉर्म वाले लोग जो हैं उनकी दलाली बंद हो जाए। नहीं नहीं वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, तो कुछ लोगों को नहीं देते, वो एक्सेस देते नहीं, अदरवाइज दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। और जब हम आवेदन आवेदन करते हैं सेकेंड अपील में, तो उसमें वर्चुअल वर्चुअल ऑप्शन ऑलरेडी बंद रखा जाता है। एक मिनट इसमें सर, आप उसमें पीडीएफ लगाते हैं, आप लोग को एक्सपर्ट मत बनिए, शैलेश सर हैं, शैलेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपना सुझाव देना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए। शैलेश सर, समस्या समझ पा रहे हैं सर इनकी? समस्या तो यह है कि कमिश्नर्स उस कुर्सी के लिए लायक नहीं। जी बिल्कुल सही सर, और इसके लिए तो ये बहुत सारे कमिश्नर्स लोकपाल वगैरह जो है, ये हकीकत है, कई लोगों की मूवमेंट ही शुरू करनी पड़ेगी, बहुत सारे कमिश्नर्स लायक ही नहीं है कमिश्नर बनने के लिए, वो रिटायर पोस्ट रिटायरमेंट या किसी जैसे चरण वंदन करके इन्होंने कहा कि आ गए, तो गैर कानूनी तौर से वो लोग डिसीशन दे रहे हैं या काम ही नहीं कर रहे हैं, ये बड़े खेद की बात है, मगर इसका सलूशन मेरे पास तो कोई है नहीं। एक सार है, आवाज उठाए जी जी, लोग आवाज उठा से रहे, क्योंकि ये हालत है कि सूचना के अधिकार का कमिश्नर्स जी, आपका जो वो है ये बार बार वो कर रहा है, कहीं शॉर्ट कर रहा है वॉइस वाला ना, तो कहीं से आवाज आ रही है, एक नॉइज आ रही है, क्रैंकिंग नॉइज आ रही है आपके उसमें। सॉल्यूशन सर, हेलो राहुल सर, आप इनकी समस्या सुन पा रहे हैं सर, राम सिंह जी की, आपका कोई सुझाव है सर इनके लिए? चंबा यूपी से हैं, चंद्र चंद वशिष्ठ जी हैं, इनका प्रश्न लेते हैं। हाँ बोलिए वशिष्ठ चंद जी, वशिष्ठ चंद जी आपका क्या प्रश्न है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ जी बोलिए जी, नमस्कार सभी को, और आपकी मीटिंग सुन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो प्रश्न मैं फिलहाल नहीं, प्रश्न फिलहाल कुछ भी नहीं है अभी के लिए, अभी आपको फिर से मैंने शिवानंद जी को कुछ व्हाट्सएप में भेजा है। ठीक है, धन्यवाद आप जैसे लोग ही वो बात रखें तो ज्यादा बेहतर है, मैं कुछ नहीं, प्रश्न नहीं है, हम आपकी मीटिंग सुन रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं जी आपसे, धन्यवाद धन्यवाद। आगे ले लेते हैं अगला प्रश्न, ओप्पो CPH 2505, हाँ पूछिए आप अपना प्रश्न, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओप्पो ओप्पो मोबाइल, आप लोग अपना नाम लिखा करिए, कहाँ से हैं, क्या नाम है तो ज्यादा बेहतर है। ओप्पो मोबाइल आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप चश्मा वाले, चश्मा वाले, हाँ हाँ आप ही सर, हाँ आप लोग कर लीजिए प्रश्न, हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। हेलो, हाँ बोलिए, मैं शंकरलाल गोयल राजस्थान से बोल रहा हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। हाँ जी बोलिए, प्रश्न पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए सर। आपको मेरा सभी को प्रणाम, मेरा तो माइक बंद रहा हो रहा है? नहीं नहीं आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपका? बिल्कुल आ रही है, आप बोलते जाइए। ये था कि एक राजस्थान के अंदर ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में घोटाला था, तो उसमें सर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनके खिलाफ डिसीजन हो गया है, और मैंने जो आरटीआई लगाई थी वो सूचना आयोग से भी 2022 में डिसीजन हो गया, लेकिन उसका रिप्लाई जो पीआईओ है वो दे नहीं रहा सर, उसके लिए क्या किया जा सकता है? आप मार्गदर्शन करें। आत्मदीप सर, राहुल सर, इसमें आपने सब बताएंगे। सॉरी मैं प्रश्न नहीं सुन पाया। अच्छा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये घोटाला हुआ था इसमें, वो उसकी जानकारी उन्होंने पीआईओ जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जवाब नहीं दे रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और पीआईओ जवाब नहीं दे रहे हैं। सिरोही का कलेक्टर और जो ईडीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है,
ये मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने कितने भर्ती से लोगों को सर्टिफिकेट जारी किए और उनको खारिज करने का आदेश 2000 में हो गया था। 25 सालों से अब तक उनको खारिज नहीं किए, तो उसके साल उसके लिए सर क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से उनका गलत डिसीजन हो गया कि वो लोग भर्ती। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां से कुछ मतलब मंगवाया नहीं कागज? सुप्रीम कोर्ट को तो सारे पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने सर मंगवाए थे पूरे कागज। आपको वहां से ही मिल सकते हैं सर? नहीं, जब राजस्थान सूचना आयोग का डिसीजन हो गया कि मुझे सारे इनके खारिज करके मुझे जवाब दिए गए, वो रिप्लाई नहीं दे रहे, खारिज कर नहीं रहे। यहाँ का जो पीओयू है, मेन इनका प्रश्न ये है कि पीआईओ जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, वो तो रिप्लाई नहीं दे रहा है ना, आयोग का रिप्लाई दे रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई दे रहा है। आदित्य साहब, सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका, मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। सर राजस्थान सूचना मैंने अनुसूचित जाति सूची क्रमांक 50 पर एक रावल जाति है, वो रावल जाति शेड्यूल कास्ट के अंदर वो है जो छुआछूत के आधार पे उनको सूची में डाला था। उसमें सर निवेदन ये है कि वो छुआछूत वाले नहीं थे, वो तो ब्राह्मण थे उच्च कुल, और जो रावल जाति है वो ट्रीटेड बाय बंगी एंड बैक फ्रॉम बंगी ऑनली और मोस्टली 1950 का जो आदेश था उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि लोग फर्जी हैं, इन लोगों को सर्टिफिकेट जारी नहीं करना है। ये सब निर्णय हो चुका है, वो भी हो गया है 2016 में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए, सूचना आयोग के पास बहुत शक्तियां हैं लोक सूचना अधिकारी को अपने समक्ष प्रस्तुत होकर जवाब देने के लिए, विवश करने के लिए, बाध्य करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे। वो भी वहां पहले तो मेरे पक्ष में फैसला दे दिया गया, इनको दे दिया जाए। जैसा राहुल सिंह जी ने कई मामलों में किया है, लोक सूचना अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है ऐसे मामलों में, तो सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग करते हुए उसके खिलाफ सूचना आयोग वारंट जारी कर सकता है, उसको उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है, और जो भी रिलेटेड दस्तावेज है उनको भी तलब कर सकता है, यहाँ तक कि कोर्ट से भी दस्तावेज आयोग तलब कर सकता है संबंधित शिकायत या अपील से संबंधित। दूसरा, आपने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और उसकी पालना नहीं हो रही है, अगर उसका संदर्भ इस प्रकरण से बैठता है तो वहां भी अवमानना की याचिका दायर की जा सकती है। जी, वो मैंने सर 4 दिन पहले एक लेटर दे दिया कलेक्टर को। हाँ, कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, ये विधि का उल्लंघन है, सूचना आयोग माननीय राजस्थान सूचना आयोग का आप आदेश की पालना नहीं कर रहे, वो भी विधि का उल्लंघन है, और 2000 में कलेक्टर ने आदेश किए थे उसका भी पालना नहीं कर रहे हैं, और 2000 दिसंबर 2022 में सिरोही के जिला कलेक्टर ने अपने कोर्ट में लेकर के मामले का निर्णय दे दिया कि इनको स्पेसिफाई मतलब इनको स्पष्ट दिया जाए, इन्होंने जो भी मांगा उसकी भी पालना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग फर्जी है, उनको पॉलिटिकल उनको मतलब सपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट में मिल रहा था, अभी भी मिल रहा होगा। इसमें न्यायालय का में गुहार लगाई जा सकती है, क्योंकि आप बता रहे हैं संदर्भित आदेश भी हैं इस बारे में सब तरह के प्रशासनिक भी। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी दूसरा एक अभी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया था, सूचना आयुक्तों की कार्यशैली और उनके आदेशों के बारे में। उस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि वाकई केंद्रीय सूचना आयोग में और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों में पात्रता को योग्यता को दरकिनार करके केवल और केवल पहुंच के आधार पर सत्तारूढ़ दल के में जिसकी भी पहुंच है उनकी नियुक्तियां इन पदों पर हो रही है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों पर, और ज्यादातर रिटायर्ड नौकरशाहों की हो रही। इसके कारण आम आदमी को बहुत इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। सही आदेश अभी यहाँ भी जिक्र किया कुछ लोगों ने, सही आदेश पारित नहीं होते, आपकी भी ये पीड़ा है कि सब कुछ होते हुए भी आयोग नहीं आदेश दे रहा है, उसके खिलाफ लोक सूचना अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ जितनी शक्तियां आयोग को प्राप्त नहीं कर रहा है। इसका कारण ये रिटायर्ड नौकरशाहों का को इन पदों पर बिठाना है। अब देखिए, इसमें आरटीआई एक्ट में जो योग्यताएं निर्धारित की गई है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि यानी कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन या शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे और वो समाज के प्रख्यात व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं ज्यादातर लोग ऐसे नियुक्त कर रहे हैं जा रहे हैं जिनकी उनके अधिकारी पद पर रहे तब उनकी कोई समाज में उनके कामों के कारण कोई ख्याति नहीं हुई या कोई विशेष पहचान नहीं बनी,
कुछ तो हमने ऐसे देखे हैं, जैसे अभी राजस्थान में भी हुआ है, ये जो सब पात्रताएं, इनमें से एक भी पात्रता नहीं रखती है, एक महिला और उनको सूचना आयुक्त बना दिया गया। एक राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त बनाया वसुंधरा जी की सरकार के समय, उन्होंने आवेदन ही नहीं किया था, उसके बावजूद उनको अपॉइंट कर दिया। तो ये जो अपात्र लोगों की नियुक्तियां हो रही, जिन जो मतलब डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, ऐसे भी मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, लेकिन वो आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से आदेश पारित नहीं कर रहे हैं, इसके उलट आदेश पारित कर रहे हैं। तो इसमें एक एक ही रास्ता बनता है कि सरकार तो इससे बाहर आएगी नहीं अपने चहेते अधिकारियों को नियुक्त करने में, कि इन गलत नियुक्तियों को, इस जो भी योग्यता निर्धारित की गई है इसके आधार पर इन नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए। ये हो नहीं रहा है। हमने देखा है जहाँ पहले, जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी एक बार नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी, तो सरकार ने जो जवाब पेश किया वो बिल्कुल संतोषप्रद नहीं था। जो जिनको सिलेक्शन किया उन्होंने अपनी जो डिटेल दी केवल बता दी कि इस आधार पर कर लिया गया, जबकि वो उनके द्वारा दी गई जानकारी इस पात्रता को पूरा नहीं करती है। तो एक ही रास्ता, इन गलत नियुक्तियों को हाई कोर्ट में, अपने अपने हाई कोर्ट में चैलेंज करने का प्रयास करना चाहिए और वहां बहस करना चाहिए कि किस तरह से ये प्रख्यात व्यक्ति हैं समाज के, और किस तरह जो जो पात्रताएं, उनका व्यापक ज्ञान और अनुभव ये लोग रखते हैं। यही एक रास्ता हो सकता जी सर, है। और दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार में एक बाबू भी थर्ड ग्रेड लिपिक भी भर्ती होता तो उसकी ट्रेनिंग होती कि उसको अपना काम किस तरह ठीक से करना चाहिए, उससे जुड़े जुड़े क्या क्या कानूनी और नियम वगैरह प्रावधान है वो सब उसको सिखाया जाता है। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं, इसके कारण कई सूचना आयुक्तों को तो 6-6 महीने केवल इस एक्ट को, इसके प्रावधानों को, ये सब समझने में ही लग जाते हैं। आदेश कैसे ड्राफ्ट किया जाना चाहिए इसकी तक को जानकारी नहीं है। हम एक ऐसे सूचना आयुक्त महोदय को जानते हैं जो पूरे 5 साल के कार्यकाल होकर रिटायर हो गए, वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी थे, लेकिन पूरे 5 साल में वो आरटीआई एक्ट को नहीं समझ पाए, ना वो आदेश का ड्राफ्ट बना पाते थे। आयोग के किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से वो ये सब आदेश ड्राफ्ट कराना, ये सब करना करते थे। सुनवाई भी ठीक से नहीं कर पाते थे, उनका पीए या रीडर सुनवाई में सवाल जवाब करता था, ऐसे भी उदाहरण है। ऐसी पात्रों की नियुक्ति को चुनौती जरूर न्यायपालिका में देना चाहिए। थैंक यू। जी जी सर। सर अगला प्रश्न लेते हैं हम किशन लाल बैरवा जी का। हाँ किशन जी, अपना प्रश्न पूछे। सर सभी को नमस्कार। जी सर, धारा 2J में लिखा हुआ है कि सूचना का अधिकार उस अधिनियम के अधीन, सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी या उसके नियंत्रण अधिकार अभिप्रेरित है, और इसमें निम्नलिखित शामिल है: प्रतियों का, अभिलेखों का निरीक्षण करना, मुद्रण प्रतिलिपि लेना, सामग्री का नमूना का निरीक्षण लेना, नमूना लेना, और कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में है तो, और यही परिभाषा उसमें दी हुई है सर 2F में। तो इन दोनों में क्या अंतर है, और क्या जो रिकॉर्ड पर सूचना उपलब्ध है वो ही दी जाएगी? लोक सूचना अधिकारी की जानकारी में कोई सूचना है तो वो नहीं दी जाएगी सर? नहीं, इसका, हाँ आदमी सब बताएं। जी सर, देखिए ये तो आरटीआई एक्ट में साफ लिखा है कि जो लोक सूचना अधिकारी के नियंत्रण में या उसकी पहुंच में सूचना उपलब्ध है वही प्रदान की जाएगी, जो उपलब्ध ही नहीं है वो किसी से और से भी, खुद के पास नहीं है लोक सूचना अधिकारी के, दूसरे किसी विभाग या शाखा से भी वो नहीं प्राप्त कर सकता, वहां भी उपलब्ध नहीं है, तो वो तो किस तरह से दी जा सकती है। और आपके प्रश्न का पहला नहीं हिस्सा हम तो समझ नहीं पाए कि धारा ये जो निम्नलिखित चीजें सूचना के अधिकार में शामिल है, एक तो ये प्रावधान है और दूसरा एक और प्रावधान कोई आपने बताया है, वो प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ उसको। सर 2F में लिखा हुआ है कि सूचना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक धारित है, अभिलेख है, दस्तावेज है, मेल है, सलाह है, प्रेस है, विज्ञप्ति है, परिपत्र, आदेश, लोग, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, ये सब हाँ, रिकॉर्ड में शामिल है, अधिकार से अभिप्रेरित है ये सामग्री। दूसरा की परिभाषा है। ठीक जी, है, और 2J में ये लिखा हुआ कि सूचना का अधिकार, तो इस अधिनियम में जो पहुंचियों की सूचना है लोक प्राधिकारी के या नियंत्रणाधीन धारित है उसमें निम्नलिखित में शामिल है, तो नियंत्रणाधीन का मतलब खाली यही है कि जो रिकॉर्ड उसके नियंत्रण में है वो ही उपलब्ध करवाएगा, या उसकी जानकारी में कोई सूचना है तो उसको उपलब्ध करवाएगा वो?
उपलब्ध कराना चाहिए अगर उसकी जानकारी में है। ये इसमें ये भी शब्द कहा गया है उसके नियंत्रण में और उसकी पहुंच में, उसकी रीच सूचना तक होनी चाहिए अगर उसकी जानकारी में, लेकिन मतलब उसकी रीच में है तो उसको देना चाहिए। यहाँ तक कि सूचना कुछ सूचना आयोगों ने ऐसे भी आदेश पारित किए हैं कि जैसे आरटीआई में एक्ट में प्रश्नात्मक जानकारी मांगने का प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया है जिसका जवाब आसानी से दिया जा सकता है तो वो दिया जाना चाहिए, केवल प्रश्नात्मक जानकारी कह के उसको इनकार नहीं किया जाना चाहिए। और धारा जो आप दोनों धाराएं आपने पढ़ी उन दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। सूचना और अभिलेख की परिभाषा है वो भी लागू है, और जो बात की धारा है उसमें जिसमें निरीक्षण वगैरह सामग्री के नमूने है ये उसका विस्तार बताया गया है कि सूचना के अधिकार के में केवल डॉक्यूमेंट की प्रति लेना ही नहीं, यहाँ ये इन इन चीजों तक भी ये विस्तारित है ये बताया गया। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि सूचना का अधिकार सिर्फ कागजों की प्रमाणित प्रतिलिपि देने तक सीमित नहीं है, ये पब्लिक सिस्टम को सार्वजनिक व्यवस्था को सुधारने का बहुत बड़ा औजार है सूचना का अधिकार, जिसका इस उद्देश्य से भी उपयोग किया जाना चाहिए कि जो भी जनता से जुड़े सरकारी कार्यप्रणालियां हैं उनमें सुधार आए और हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो केवल फोटोकॉपी नहीं लेते हैं बल्कि सिस्टम में सुधार कराते हैं। मध्य प्रदेश में एक पत्रकार हैं भोपाल में रमेश शर्मा, उन्होंने कई आरटीए लगा के ऐसी जानकारी ली है जिसके आधार पर एनजीटी ने आदेश पारित किए हैं, केंद्रीय प्रदूषण मंडल राज्य प्रदूषण मंडल ने और भी सरकारी निकायों ने आदेश पारित किए सिस्टम में सुधार का, निरीक्षण का, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का। इसी तरह रेलवे के सिस्टम में कई लोगों ने सुधार कराया, एक और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रकाश अग्रवाल हैं उन्होंने भी कई इस तरह के सुधार कराए, और भी कई लोग हैं। तो ये मंतव्य भी हमको समझना चाहिए, केवल कागजों की फोटोकॉपी ही न लें बल्कि वो लेके और उनके आधार पर जहाँ भी कमी खामी है सरकारी व्यवस्था में कार्यप्रणाली में उसमें भी सुधार कराएं, और कई लोग ये कराने में सफल भी हुए। इस मूल उद्देश्य को भी समझना चाहिए, इससे बहुत जनहित सिद्ध होता है। सर एसपीआई ये कहता है कि रिकॉर्ड में वही सूचना देंगे, सर हम कोई सूचना नहीं देंगे, ये तो ठीक है जी। सुनील खंडेलवाल जी का प्रश्न नहीं है तो अपील कर रहे हैं, अपील में ये सिद्ध करने का विसर्जन करें क्योंकि अब टाइम डेढ़ बज गए हैं। सुनील खंडेलवाल जी का जी 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 सुनील जी आपने हैंड रेज किया हुआ है जी। जी सुनील जी मेरा प्रश्न है सर कि जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं या जो खुलते हैं उनको क्या कोई रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है, या जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनके बारे में अगर आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल करनी हो तो इसको किस प्रकार से कर सकेंगे हम? जी आत्मदीप सर आकाश जी से भी पूछ लेते हैं, आकाश जी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते भी हैं जुड़े हुए हैं। आकाश जी अभी हैं सिलेक्टिव, आकाश जी जी एक्चुअली में क्या है कि कोचिंग का आप ओपन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, अब वो बात अलग है कि आप ना करवाएं, अवैध रूप से कई चलाते भी हैं, पर लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होता है, आपको बकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उसी के तहत आप जो है कोचिंग संस्थान को चला सकते हैं लीगल तरीके से, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको लेके रजिस्ट्रेशन को लेके। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जानकारी आरटीआई के माध्यम से आप ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि कोचिंग संस्थान कोई गवर्नमेंट यूनिट नहीं होते हैं, तो वो आरटीआई कमिश्नर साहब जैसे जुड़े हुए हैं राहुल सर बता पाएंगे कि आरटीआई के माध्यम से इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन या नहीं। जी राहुल सर, राहुल सर सॉरी वो मैं उनका लास्ट वो भूल एक्चुअली में सर इनके दो क्वेश्चन थे, पहला कि कोचिंग के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तो इसका आंसर मैंने कर दिया है, एंड सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्या कोचिंग संस्थानों की जानकारी आईटीआई के माध्यम से ले सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कहाँ कराते हैं? रजिस्ट्रेशन लेबर डिपार्टमेंट में होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आरटीआई के दायरे में है। और अभी देखिए क्या है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था जो है उसको लेकर के अभी दिल्ली का जो हादसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोचिंग इंस्टीट्यूट को के संचालन की परमिशन कैसे है, उसके फायर सेफ्टी का जो वो रहता है उसको तमाम चीजें उनको देनी भी रहती है, नॉर्म्स भी रहते हैं उसको, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आप वहां से सीख कर सकते हैं, इसको ये इंफॉर्मेशन डिनाई भी नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट।
तो जो अवैध रूप से, अगर अवैध रूप से जो संचालित हो रहे हैं। सुनील जी सर, इसका आंसर मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ था पहले। देखिए सुनील जी, इसमें दो चीजें होती है, मैं एक दो अनुभव बता रहा हूँ आपको। एक बार इस तरह का एक मामला हुआ था, तो शिक्षक की जो कोचिंग थी ना, उसको सील कर दी गई थी। तो एक बार शिक्षक क्या किया, अपने सारे बच्चों को ले जाके कलेक्ट्रेट में जाके पढ़ाने लग गया। अब मेरी बात समझिएगा, वो कलेक्ट्रेट में जाके बैठ गया जमीन पे, वहीं पे उसने अपना लेक्चर चालू कर दिया ओरली, बोर्ड वोर्ड की कोई जरूरत नहीं थी। एक तो संज्ञान एक ऐसा आया था कोरोना के टाइम पे कि एक टीचर था, उसकी कोचिंग सील कर दी गई थी। फर्नीचर, सस्ता सा फर्नीचर उसने रखा हुआ था कोचिंग में, तो उस कोचिंग में जब उसकी कोचिंग को सील कर दिया गया, तो उसने क्या किया, जो थोड़ा बहुत उसका जो बाहर में फ्लैक्स वगैरह रखा था वो उठा के अपने घर ले जा लिया, और जो थोड़ा बहुत फर्नीचर था, जो सस्ता सा फर्नीचर था, उसने उसको वहीं छोड़ दिया। कोचिंग चूंकि किराए से चला रहा था वो, तो वहां से उसने सब कुछ बंद करके वो मतलब सील को खुलवाने वो गए ही नहीं। आप मेरी बात समझ रहे। तीसरी चीज आपको बता दूं, इसका रजिस्ट्रेशन होता है सर लेबर ऑफिस में होता है इसका रजिस्ट्रेशन। इसमें जो स्टाफ वगैरह की जो जानकारी होती है वो सब देना होता है, बट प्रैक्टिकली सर इसमें डिपेंड करता है कि जो कोचिंग जो चला रहा है वो फीस कितनी ले रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है तो ये होता है कि कोचिंग संचालक फीस कितनी ले रहा है। अब जैसे कई कोचिंग संचालक होते हैं जो 150 रुपए में, नाम नहीं लूंगा, मगर यहाँ पे हमारे देश में कुछ ऐसे संचालक कोचिंग वाले भी हैं जो 150 रुपए ले रहे हैं और 3-3 हजार बच्चों के लिए पैसा मैं बैठा रहा, मैं 3 हजार संख्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ ये स्थिति भी है, और कुछ कोचिंग संचालक ऐसे भी हैं जो बहुत ही ब्रांडेड और एसी रूम्स और मतलब इस तरह से भी चल रहे हैं। तो इन सब में ये डिपेंड करता है ना कि सामने वाला कोचिंग, जो ब्रांडेड कोचिंग्स होती हैं उनमें उनमें क्या होता है कि एक संख्या लिमिटेड है। उसमें उपभोक्ता फोरम में आप जाएंगे तो उसमें मैं बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो कि सीधे सीधे मतलब मैंने जो डिसीजन पढ़े उपभोक्ता फोरम के 99% वो स्टूडेंट के फेवर में है, मतलब फीस रिफंड वाले केस के हैं। ठीक है, अगर बच्चा संतुष्ट नहीं है तो 100 मतलब अच्छी खासी फीस, मतलब 2 रुपए का 5 रुपए रिफंड होता है सीधे सीधे। तो इस तरह के प्रकरण है। अब आप एग्जैक्टली किस कोचिंग पे टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पे निर्भर करता है। रही कई अभी हमारे बीच में सवाल आया था कि कोचिंग संचालक तो यहाँ कई गवर्नमेंट जॉब वाले कोचिंग पढ़ाते हैं, तो इस पे हमारी बहुत पहले एक बार आचरण संहिता को लेके चर्चा हुई थी, और उस आचरण संहिता पर मैंने कुछ काम भी किया है और काफी अच्छे उसके रिजल्ट भी आए हैं। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए कोचिंग पढ़ाना आसान नहीं होता है। देवेंद्र सर ने हैंडल किया हुआ है सर यहाँ पे शॉर्ट में। जी सर, जी देवेंद्र सर। सर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको 4 जगह से लेना है। लेबर लॉ का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 10 से अधिक स्टाफ के लिए लागू होता है। जिसके यहाँ 10 से अधिक स्टाफ है उसको लेबर लॉ के अंदर में जाना है। आपको जो है सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, या तो उनके या फिर उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार आपके लोकल अथॉरिटीज में जो नगर निगम होते हैं तो अनुज्ञप्ति पत्र जारी करते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में तो ग्राम पंचायत से अनुज्ञप्ति पत्र जारी होता है। आपको अनुज्ञप्ति पत्र लेना पड़ेगा। आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी क्योंकि आप सर्विस टैक्स में आते हैं, और सर्विस टैक्स के दायरे में आने वाले किसी भी लोगों को छूट नहीं दी गई है। गुड्स सेल वालों को 40 लाख तक की छूट दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जो गाइडलाइन में है आपको पूरी फैकल्टी की जानकारी, क्योंकि अब जो नया लॉ है वो पूरे भारत पे लागू हो चुका है, और सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हर स्टेट के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 18 जनवरी 2024 से उस गाइडलाइन का पालन करना है। तो अब जितने भी पुराने तरीके थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, और जो 50 स्टूडेंट से ज्यादा ये कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं वो 50 स्टूडेंट से कोचिंग सेंटर आप घरों में नहीं चला सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर जो एक्टिंग वो है पूरे कमरे पूरी व्यवस्था के जैसे चाहिए, जैसे कि कोई स्कूल चला रहे हो। तो अब ये 50 स्टूडेंट से ऊपर रखने वाले अगर ये सोचेंगे कि मैं अपने मन से चला लूंगा, घर में चला लूं, कहीं पे भी लेके चला लूंगा, तो नहीं चला सकते। उसके लिए पूरा बकायदा उनको सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सर यहाँ पे जानकारी है आपको, आरटीआई की जानकारी। आप 3 डिपार्टमेंट इसमें सीधे जुड़े हैं। आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड आप सभी जगह पे वो आरटीआई लगा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कितने वैध है, कितने अवैध है, वैध के लिए क्या नियम है, अवैध के लिए क्या नियम है। इसके अलावा नगरीय प्रशासन विभाग और आपकी लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना मिल रही हो तो आप कलेक्टर के पास लगा सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनको देखना है। किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। मेरी जानकारी में तो सर यही है। जी सर, बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं सर। अब यहाँ पे जैसे कि पहले भी सर, अगला टॉपिक किसी का तो सर आप लोग की तरफ से कोई सुझाव हो तो बता दीजिए, कार्यक्रम का समापन होगा। अगला सर मेरे तरफ से एक रिंकू है, एक रिंकू जी है, इनका भी ले लीजिए प्रश्न। हाँ बोलिए रिंकू जी। सर नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बताइए सर। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं PIO से सर हम कोई सूचना मांगते हैं सर पुलिस कार्यालय से, तो सर वो थाने की सूचना होती है और सर एक अन्य अन्य कार्यालय से SCO ऑफिस की होती है, तो वो सर सूचना को सर
थाने में भेज देते हैं, इनकी सूचना दी जाए, जो थाने से संबंधित सूचना होती है वो तो दे देते हैं वो सर, सीओ ऑफिस वाली में ये लिख देते हैं हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है, और पीओ पीआईओ हमें भेज देते हैं सूचना को, अधूरी सूचना को सर। इस केस में सर क्या किया जाए, सीओ ऑफिस से सूचना नहीं दिलवाते हैं। हेलो देखिए रिंकू जी, जो जिस कार्यालय की सूचना है, पुलिस डिपार्टमेंट की सूचना है, तो पुलिस डिपार्टमेंट से मांगिए। सीईओ जो बोल रहे हैं आप, सीईओ क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद या जिला पंचायत क्या है वो, और यहाँ का भी सर्कल ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर सर, सीईओ पुलिस। ओके ओके, हाँ तो वहाँ पर आप लगाइए उनकी जानकारी के लिए। और बाकी कौन से थाने, तो सर्किल ऑफिसर कहाँ, क्या जिले में बैठता है सर, उसी के अंडर में थाने होते ना, तीन थाने उसके अंडर में होते हैं सर। ठीक है, वो अलग अलग नाम रहता है, जैसे यहाँ आईजी रहता है, डीआईजी रहता है, एसपी रहता है, वो क्या है, तो जो भी कार्यालय है वहाँ पे लगाइए तो सूचना मिलेगी। बाकी यदि दूसरे कार्यालय में लगाएंगे तो धारा 6(3) के तहत अंतरण करेंगे, या कि आपका बोल देंगे कि हमारे पास जानकारी नहीं है, तो बेहतर है जहाँ की जानकारी है वहाँ पर लगाइए, है ना। पीआई को अंडर तो सारे ऑफिस आएंगे ना सर, उसके सर कार्यालय जो टीआई के अंडर, अंडर टीआई के अंडर जो है वो टीआई का ही कार्यालय, मतलब वो थाना ही बसाएगा और वहाँ की जानकारी एक्चुअल में सर ये हो क्या रहा है, ये जो रिंकू जो है ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं एसएसपी कार्यालय में, और जो पीआईओ होता है वो एसएसपी कार्यालय में ही होता है हमारे यहाँ यूपी में। तो वो क्या करता है, पीआईओ सेक्शन 63 में सबको फॉरवर्ड कर देता है जिनके जिनके यहाँ वो सूचना संधारित होती है, और वो सूचना लेके सेक्शन 63 का अनुपालन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक रिपोर्ट बना देते हैं कि आपने हमको ये भेजा, हम आपको रिपोर्ट पीआईओ को दे रहे हैं। पीआईओ बेसिकली सेक्शन 5(4) की तरह काम करता है, जो जो एसएचओ होता है हमारे टीआई नहीं होता, तो जो एसएचओ होता है एसएचओ को, एसएचओ अपना इन्फॉर्मेशन भेज देता है, लेकिन सीईओ अपनी इन्फॉर्मेशन पीआईओ का जो एसएसपी कार्यालय का उसको नहीं देता। ये पूछ रहे हैं कि जो सीईओ होता है सर्किल ऑफिसर जो पुलिस का होता है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, उसके लिए हम क्या करें। तो रिंकू जी उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप एक काम कर सकते हैं, आप उसके लिए फर्स्ट अपील फाइल करिए, फर्स्ट अपील में कहिए कि इन इन बिंदुओं पर हमको सूचना मिली और इन इन बिंदुओं पर नहीं मिली, और अगर फर्स्ट अपील पे भी नहीं होता तो फिर आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको सेकंड अपील करनी पड़ेगी। ये आपका उत्तर है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आपने जवाब दे दिया, यूपी का मामला है। अब यहाँ कार्यक्रम को विराम दें, और राहुल सर अगले सप्ताह के लिए क्या टॉपिक रखा जाए, आप कुलदीप जी कुछ कह रहे थे, कुछ टॉपिक वगैरह आप लोगों ने डिसाइड, एक गैलेक्सी M30 वाले बार बार ये, हाँ बोलिए आप, गैलेक्सी M30 प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, शॉर्ट में अपनी बात पूछिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, वो एक बटन है उसको टच करिए, वो कुछ आ गया है परमिशन के लिए आपके पास, उसको टच करिए अपने मोबाइल में। टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को नहीं रहता है, और मोबाइल में जूम मीटिंग कैसे अटेंड करेंगे आप लोग। हाँ ठीक है, बच्चों से थोड़ा जिला पाली राजस्थान से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पाली राजस्थान जी, इस फसल बीमा के बारे में कुछ समझना था मुझे, पूछिए। फसल बीमा के नुकसान के आंकलन जो जो करते हैं ना कृषि विभाग वाले, तो कैसे होता है? अब इसके लिए तो कृषि विभाग का कोई एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, फिर अपन इस पे चर्चा करेंगे। उसकी कैटेगरी होती है, मतलब जब ये परसेंटेज वाइज वो आकलन जो अधिकारियों की टीम जाती है वो मौके पे मुआयना करती है, और जैसे शासन के निर्देश रहते हैं कि भाई इतने तक का मुआवजा जो है वो इतने परसेंट तक का डैमेज हुआ है, और उतने परसेंट तक के डैमेज के हिसाब से फिर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, पंचनामा होता है वहां पर, और उसके बाद फिर अवार्ड किया जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत करप्शन की शिकायतें आती हैं, कई बार ये होता है कि मौके पर पंचनामा कुछ और बना और उस समय मुआवजा क्षति जो क्षति की क्षति का जो वो था रहता है कि इतना डैमेजेस जो हुआ है वो इतना परसेंट है, लेकिन बाद में जब मुआवजा बन करके तैयार होकर के आया उसमें रिपोर्ट कुछ और लगी हुई थी। तो इस तरह ये आरटीआई से खुलासा हुआ, जब आरटीआई लगाई जो किसान था, मेरे पास ही एक मामला आया था, ये भिंड जिले के आसपास का मामला था, और वहां पर
किसान ने अपने जो मुआवजे थी उसको ये था कि मुआवजे में कुछ गड़बड़ी की है, तो उन्होंने जब उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली तो मालूम पड़ा कि उसके पास ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने एक आरटीआई लगा करके पहले ही जब पंचनामा बना था तो उसकी कॉपी ले ली थी, लेकिन बाद में जो मुआवजा उसको मिला उस मुआवजे में वो जो पंचनामा था, जो पुराना पंचनामा था वो नहीं लगा था, बल्कि कोई और नया कागज के आधार पर जो है मुआवजा उनको दे दिया गया। जी सॉरी सर, उसके लिए मैं पूछना, इसके लिए आरटीआई कहाँ लगाना पड़ेगा मुझे? जी आरटीआई जो आपके पास, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहीं के अधिकारी आते हैं, खासतौर से आपके एसडीएम आते हैं, पटवारी होते हैं उसमें, तो हाँ ये तो आप जो कलेक्टर कार्यालय है वहां आप लगा दीजिए उसको, वहां से आपको ब्लॉक स्तर पे तहसील कार्यालय है वहां पे लगा लूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में? देखिए आप कलेक्टर कार्यालय में लगा दीजिए, वहां से जहां पर ये मुआवजा जारी किया होगा वहां पर उस अधिकारी को वो लोग सेक्शन 63 में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सबसे सबसे बेहतर इसमें ये है कि ये जो आरटीआई है ये कृषि विभाग में लगाएं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि उसके अंतर्गत रहता है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपने लोकल स्तर पर तहसील में लगा करके ये जानकारी अपने तहसील विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एमपी के परिपेक्ष में जिस तरह से सर आपने बताया, बिल्कुल सही आपने बताया हुआ है, लेकिन जो फसल बीमा निर्धारित करने की जो एक प्रक्रिया होती है वो ये हल्का बार इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि जैसे किसान की जब वो अपना व्यक्तिगत पैसा दे रहा है बीमा करवाने के लिए, फसल बीमा करवाने के लिए अपने जमीन का दे रहा है, अपने खसरे में जो दर्ज है उस भूमि का दे रहा है वो पैसा, उसके आधार पर प्रीमियम कट रहा है, तो जो उसकी जो मतलब यूनिटी यूनिट होनी चाहिए वो उसकी जमीन होनी चाहिए व्यक्तिगत, लेकिन ऐसा नहीं है एमपी में। बहुत ही गलत तरीके से एमपी, क्या हमें लगता है कि पूरे भारत में ऐसे काम कर रहा है पता नहीं, तो ये हल्का बार इन्होंने रखा हुआ है। पहले तो और भी ज़्यादा बृहद था, तहसीलवार था, कि उस तहसील का सर्वे होता था कि पूरे तहसील में सूखा पड़ा है या बाढ़ आई है तब माना जाएगा। फिर बाद में हमें लगता है कि इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया पिछले 3-4 साल पहले जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, तो हमें लगता है कि इन्होंने हल्का बार कर दिया है। अभी भी ये सही नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा धांधली चलती है। पटवारियों की जो गिरदावरी की जो रिपोर्ट होती है वो सही तरीके से नहीं भेजी जाती है, वहाँ भी गड़बड़ी चलती है। जो कंपनियाँ हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी है ये आपके एग्रीकल्चर से संबंधित, इनका सीधे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इनसे सबसे अधिकारियों से तालमेल रहता है, ये अपना वहीं पर कमीशन ले करके अपना सेटलमेंट कर लेते हैं, गवर्नमेंट से इनका सीधा तालमेल रहता है। सिर्फ चुनावी वर्ष में, जैसे पिछले चुनावी वर्ष में भी विधानसभा लोकसभा का हुआ, तो अभी थोड़ा सा अंतिम ईयर में थोड़ा इनको पैसे मिले किसानों को, बाकी चार साल आप ऑब्जर्व कर लीजिए, आपको बिल्कुल कोई पैसे फसल बीमा के नहीं मिलते हैं, आप सिर्फ प्रीमियम भरते हैं, तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। और चूंकि किसान की आवाज कोई उठा नहीं पाता है, उठा रहा है तो उसको दबा दिया जाता है, जिस इस तरह से किसान आंदोलन तमाम चीजें हुई, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको इसका तो हमें लगता है कि कोई समाधान भी नहीं दिख रहा है क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो शोषण का केंद्र है वो मजदूर और किसान ही होता है। जैसे मनरेगा में आप जानते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, तमाम मशीनों से काम होता है और मनरेगा के नाम पर, मजदूरों के नाम पर मजदूरी आती है, और उसी से कलेक्टर की, सीईओ जिला पंचायत की, मंत्रियों की, सबके गाड़ियों के खर्चे, बगले के खर्चे हर तरह से चलते हैं, उसी फंड से चलते हैं, तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, वैसे ही किसानों के परिपेक्ष में है जो इनकी बीमा योजना और ये दुनिया भर की इनकी योजनाएं होती हैं, जो इनको टाइम टाइम पर बीज वगैरह का अनुदान मिलता है, उनमें भी सब इसी तरह से चलता रहता है, तो बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें हैं। तो ये हमें सालाना 10,000 रुपए प्रीमियम भरना पड़ता है। हाँ, वो सब भर रहे हैं, हम भर रहे हैं, आप भर रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है कि यदि आप समिति से खाद लेते हैं या केसीसी में कर्ज लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हर 6 मंथ्स में वो आपका प्रीमियम कट जाता है आपकी जमीन के आधार पर, और ऑटोमेटिकली फसल बीमा हो जाती है। इस तरह से शायद एक ऑप्शन और भी आ गया कि आप बीमा करवाना चाहते हैं या नहीं, तो एक ऑप्शन चुनना पड़ता है, हम नहीं करवाना चाहते, अब शायद हो गया है, लेकिन ज्यादातर यदि आपका सीधे ही कट जाता है, तो वो तो आप भरते रहो बस पैसा सरकार मतलब कंपनी को, और कंपनियों के इंश्योरेंस कंपनियों को हाई लेवल पर अपना कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और वो सरकार के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं वो हमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, तो ये तो हर जगह का यही हाल है। तो ठीक है, कार्यक्रम को यहाँ पे विराम दिया जाए। राहुल सर, अगले सप्ताह के लिए कोई टॉपिक हो तो प्लीज सजेस्ट करिए। थैंक यू सर। किसी का कोई सेशन हो तो लोगों से पूछ लेते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी
अभी सर जिस तरह से अपने आरटीआई में मतलब काफी हद तक एक रेगुलेशन आए हैं, उसी तरह से मैं चेकआउट किया हूँ सर कि रेरा में भी बहुत ज्यादा एक्टिविज्म अभी चल रहा है, उसके भी मतलब बकायदा सुनवाई हो रही है, आदेश आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे आरटीआई में होता है लगभग वैसा ही एक मिलता जुलता रेरा, ये रियल एस्टेट से संबंधित है और इसमें भी आरटीआई का एक इम्पोर्टेंट रोल है। और किसके मैं एक सुझाव देना चाह रहा था राहुल सर, मैं एक सजेशन देना चाह रहा था नेक्स्ट मीटिंग के लिए। मैं सोच रहा था कि जो नियुक्ति होती है राज्य सूचना आयुक्त या फिर केंद्रीय सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस किया जाए कि जैसे इनमें कितने लोगों ने कितने एप्लीकेंट थे, इनकी नियुक्ति जो होगी, जैसे आप देख रहे हैं कॉलेजियम अपना एक मिनट्स जारी करता है, जब वो किसी जज की नियुक्ति करता है तो अपने मिनट्स जारी करता है, ऐसे हम इनसे एक मिनट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंसी के लिए इनसे बात मतलब एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है और उस पर डिस्कशन करके दिया जा सकता है सारी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा सुझाव है। मैंने सर मैंने एक इमेज भी शेयर किया, उसमें मैंने तीन प्रश्न भी लिखे हैं, अगर समय मिलेगा तो देख लीजिएगा जी। तो अगर ये मीटिंग में रखना चाहे तो ये भी रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक घंटे अगर डिस्कशन होगा इसमें नियुक्तियों के लिए, तो अगर ट्रांसपेरेंट हो जाए ज्यादा तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा हमारे लिए, उसके लिए हमको काम करना चाहिए थोड़ा सा। और अगर 10-20-25 रिप्रेजेंटेशन हर स्टेट से दे दिया जाएगा तो इसको फिर हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया जा सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात रही तो मैं रिप्रेजेंट भी कर लूंगा इसमें। ग्रेट, अच्छा नहीं इसमें ये ऑलरेडी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस हैं उसको प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और ठीक करने के लिए, और वो सर गाइडलाइंस है लेकिन उतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट में 20 एप्लीकेशन रूल्स बन जाए मतलब उसके पूरे उसको रूल्स बनाने के लिए थोड़ा सा अगर काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा हर स्टेट में हम एक अगर एक मीटिंग में डिस्कशन करके एक सैंपल रिप्रेजेंटेशन शेयर कर दें और उसको हर स्टेट के लोग 10-15 लोग अगर अपने सेक्रेटरी को भेजें तो थोड़ा अच्छा पड़ेगा, इफेक्ट ज्यादा अच्छा पड़ेगा। दैट्स अ गुड सिश। तो ठीक है, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं अगली नेक्स्ट टाइम कुलदीप जी, एक तो आपका रेरा वाला जो है उसमें अगर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट अगर मिल जाते हैं। रेरा में सर क्या होगा ना, रेरा को समझने के लिए फिर आपको दो वे में देखना पड़ेगा। रेरा एक तो जुडिशियली भी काम करता है और एक नॉर्मल वे में भी, मतलब एक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करना पड़ता है। तो रेरा के लिए तो फिर आप काफी लंबा एक पूरा एक्टिव हो गया, या तो रेरा एक्ट को पढ़िए फिर उसमें आरटीआई एक्ट को इंक्लूड करिए, तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, उसके लिए दो मतलब काफी वो करना पड़ेगा लोगों को। डिस्कस कर लेंगे, राहुल सर कह रहे हैं वैसा भी कर लेंगे। नहीं लेकिन एक बेसिक मतलब अगर आप उतना डीप नहीं भी जाए, लेकिन एक मेरा कहना है कि जो इस प्लेटफॉर्म पे लोग जुड़े हैं उनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक समझ तो होनी चाहिए ना। जी, हाँ तो हम लोगों को कम से कम ये हो जाएगा कि दोनों चीजें जो हैं वो समझ में आ जाएगी कि मतलब रेरा में क्या क्या चीजें प्रावधान है। अब जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में तो एक अलग ही चीज हो गई है, रेरा सेंट्रल का एक्ट है, नॉर्मली सेंट्रल एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट जो है वो सेंट्रल से पार्लियामेंट से होगा तभी इसमें वो अमेंडेड होगा, उसमें बेसिक जो हाँ एमपी का सर ये सब पूरे स्टेट में लागू है। मैं कह रहा हूँ ना सर कि आरटीआई की वेबसाइट है ना, बीआईओ होता है, लेट ऑफ सेकंड सुनवाई होती है, सेम इसी तरह से इसका पूरा एक कोर्ट सिस्टम बना हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, तो अब उसमें एक जो एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, एमपी में क्या हुआ है कि आप पूरे इंडिया में और सेंट्रल लेवल पे जो है वो रेरा में जुडिशरी के ऑफिसर्स भी एलिजिबल थे रेरा का चीफ बनने के लिए। एमपी में स्टेट गवर्नमेंट ने जब यहाँ एडवर्टाइज किया तो उन्होंने कुछ नियम यहाँ बदल करके उसमें अपने स्तर पर ही जुडिशरी को उससे बाहर कर दिया और सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस भी बाहर हैं और सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स जो हैं दे कैन बिकम द रेरा चीफ। तो ये मुझे लग रहा है कि ये गलत डिसीजन है और इसका अधिकार जो है सरकार के पास नहीं था, मतलब प्रदेश शासन के पास ये अधिकार नहीं था कि वो मतलब अपॉइंटमेंट रूल्स में ये इस तरह से संशोधन करके जुडिशरी को बाहर कर सके। जी 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 तो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक
टॉपिक अपन कर लेते हैं, और ये इनका सुझाव भी मिस्टर राहुल रे उनका भी सुझाव अच्छा है आरटीआई को लेकर के, अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर के, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक अच्छा विषय है। जी 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 बेसिकली सर ना मैंने एक बार आरटीआई लगा के देखा यूपी में, अभी जल्दी जल्दी में हुआ लोगों का इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति हुई, मैंने कहा कि आपने जिनकी जिनकी नियुक्ति करी आप मुझे मिनट्स दे दो, आज तक मिनट नहीं मिला उसके, न तो मिनट्स मिला ना तो किस तरह से नियुक्ति करी ये सब कुछ मिला नहीं है। मैंने सेकंड अपील फाइल कर रखा है बट आई डोंट नो अभी क्या होगा उसमें, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस तरह का एक मीटिंग रख के हम एक, मैं अगली बार एक सैंपल रिप्रेजेंटेशन भी बना के शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि जो लोग अदर स्टेट के लोग उसमें शेयर कर पाए, लोगों को अपने यहाँ भेज पाए, ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। उनके लिए क्या क्या किया जा रहा है ये इसमें अतनीर साहब आपका आपकी क्या राय है? अच्छा मुद्दा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इसके साथ नियुक्तियों के लिए कोई समय अवधि तय करने का मुद्दा भी होना चाहिए। अभी देख रहे हैं हम कितने करीब 6-7 राज्यों में पूरे सूचना आयोग खाली पड़े हैं, एक भी मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है कई महीनों से, कुछ जगह सालों से। नहीं तो अगले, मुझे लग रहा है अगले अगले वीक चर्चा के लिए फिर, क्योंकि ये मुद्दा ऑलरेडी इस पर अभी रिपोर्ट भी छपी है सब कुछ है, तो ये बड़ा रिलेवेंट टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने एक मैंने कभी मैसेज भी शेयर किया है, एक मैंने लिख के हाथ से शेयर किया है, एक बार उसको आप देखिएगा, अगर उसपे आप लोग को बताइएगा अगर ये पॉइंट रखा जा सके तो अपनी मीटिंग में ठीक रहेगा। आरटीआई सीकर्स के हितों से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है इसको कर लेते हैं, फिर वो रेरा वाला फिर नेक्स्ट वीक देख लेंगे, टॉपिक्स तो लगे ही रहते हैं। ठीक है सर, सर मैं समापन कर दूं? हाँ बिल्कुल जी, शिवानंद सर सुन पा रहे हैं सर? हाँ ठीक है, देवेंद्र सर आप भी शायद ऑफ कर सकते हैं मीटिंग को, ऑप्शन आ रहा है आपके पास, आवाज नहीं आ रही है देवेंद्र सर आपकी। जी आप भी कर सकते हो, आपके पास कोई होस्ट हो आपको तो आपके पास है मौका। हाँ यस माइक कनेक्टेड हुआ, क्या करना है, ऑफ करना है? हाँ सर, हाँ सर मीटिंग क्लोज करना है, अच्छा मीटिंग एंड करना है ना। हाँ सर, सर अपना विचार दीजिए आप नेक्स्ट मीटिंग में क्या रखना चाहिए, जो भी डिस्कशन होगा ठीक था। हाँ इसमें रेरा पर टॉपिक रखते हैं तो रेरा पर आइट मेक ए प्रेजेंटेशन, तो नेक्स्ट वीक यदि रखते हैं तो रेरा पर रख सकते हैं हम, है ना? ठीक है सर, डॉक्टर साहब मैं सजेस्ट कर रहा था कि नेक्स्ट वीक की जगह अगले उसके अगले वीक में रख लेते हैं। अभी जो है ये जो आत्मदीप साहब से भी जो चर्चा हुई है उसमें ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है पूरी जो बड़ा विषय है, अगले हफ्ते कर लीजिए चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो वो अभी रिलेवेंट टॉपिक है क्योंकि अभी अखबारों और सब मीडिया का अटेंशन भी है। हाँ कोई और भी एक्सपर्ट हो तो बताइएगा, अदरवाइज हमारे पास एक एक्सपर्ट है उत्तराखंड में, मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, एंड इफ ही इज विलिंग तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं हम लोग, है ना? अरे वाह, अपने ही आंसर देख लीजिएगा सर उसको, आपको ये एक्सपर्ट इसमें नियुक्ति प्रक्रिया के लिए करेंगे सूचना आयोगों में नियुक्तियाँ, जो सुटेबल लगे सूचना आयोग नियुक्ति के लिए, तो राहुल सर हैं, आत्मदीप सर हैं, शैलेश काली सर हैं, तो ये इन लोगों का भी विचार रहेगा और सब, हम लोग सब आपस में मिलकर ठाकुर से सब लोग मिलकर एक बनाएंगे उस दिन। अब मैं सर सोच रहा हूँ, लेकिन ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, अगर मिस्टर राहुल रे का जो सेशन है आत्मदीप साहब की, वो एक मतलब जो मतलब चर्चा सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, इसका एक ये लिखित में एक पूरा ड्राफ्ट भी कर रहे हैं और उस ड्राफ्ट को वो सारी जितनी जो जितने राज्य सरकारें हैं केंद्र सरकार है उन सबको इसका एक रिप्रेजेंटेशन जो है हम सबकी तरफ से कॉमन साइन करके एक वो प्रेजेंट भी हो जाएगा। बहुत ये अच्छा आइडिया है, यही हम उस वेबिनार में रखने के लिए भी सोचा था कि ये जरूर रखेंगे कि ये केवल चर्चा तक खत्म ना हो, इस सिलसिले को आगे बढ़ाए और उसी के आधार पे एक जैसे माननीय शैलेश जी ने पहले किया है एक ऑनलाइन हम हस्ताक्षर याचिका भी कर सकते हैं, ऑनलाइन लोग हस्ताक्षर करें वो भी गवर्नमेंट को भेजी जा सकती है ऑनलाइन वाला।
हाँ वो मुझे पता है, मैं कर लूंगा, वो मैं बता दूंगा कि कैसे डॉट ओ आर करना जी, चेंज डॉट ओ आर जी और सब। हाँ चेंज डॉट ओ आर जी और इनको साइट से वहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हो। और ये जो चर्चा हो सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पदों पे नियुक्तियों के बारे में और इसके लिए कोई समय सीमा तय करने के बारे में, ये इस सब का जो भी मेमोरेंडम है, हस्ताक्षर याचिका है, वो सब सत्तारूढ़ दल के लोगों पे, राष्ट्रपति से राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबके अलावा जो प्रमुख विपक्षी दल हैं अलग अलग राज्यों में और केंद्र में, उनको भी भेजी जानी चाहिए, क्योंकि वो भी चयन समिति के सदस्य होते हैं, नेता प्रतिपक्ष सदन के। प्रमुख राष्ट्रीय दलों को भी अध्यक्षों को ऑनलाइन भेजी जा सकती है आजकल कि वो ये संसद में या विधानसभा में ये मुद्दा उठाएं। ठीक है सर, तो सर मीटिंग नेक्स्ट नेक्स्ट में ये रखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में ये रखते हैं और इसमें एक बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं हम लोग इसको मिलकर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, दोनों संचालकों को भी धन्यवाद हम सब की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी ओके बाय। हाँ जी नमस्कार, थैंक यू। Thank you. Good day, sir. Good day.